और स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन से संबंधित संख्यात्मक नियंत्रण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि संख्यात्मक नियंत्रण होता क्या है। तो सबसे पहले ये जाने कि संख्याओं द्वारा नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है। यह उत्पादन प्रक्रम एवं मशीन टूल को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिसमें नियंत्रण टेप कमांड, विद्युत कमांड या कंप्यूटर द्वारा कमांड की सहायता से किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी नियंत्रण होगा वो टेप कमांड के द्वारा और आपके विद्युत कमांड के द्वारा ही किया जाएगा। तो संख्याओं द्वारा जो नियंत्रण होता है वही हमारा संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है। ठीक, यह उत्पादन प्रक्रम एवं मशीन टूल को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, जिससे नियंत्रण टेप कमांड, विद्युत कमांड या कंप्यूटर द्वारा दिए गए कमांड की सहायता से किया जाएगा। तो हम ये जान गए कि संख्याओं द्वारा नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है। ठीक, और उत्पादन प्रक्रम एवं मशीन टूल को नियंत्रित करने की यह प्रक्रिया ही है, जिससे नियंत्रण टेप कमांड द्वारा, विद्युत कमांड या कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों की सहायता से किया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि संख्यात्मक नियंत्रण कहते किसे हैं, तो आप जान लीजिए कि संख्यात्मक नियंत्रण ही है जो जिसमें संख्या का प्रयोग करके ही नियंत्रण किया जाता है। जैसे अगर हमको फ़ैन ऑन करना है तो फ़ैन ऑन करने के लिए हमको बटन बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, वो फ़ैन की स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो एक नंबर पे थोड़ा कम चलता है, दूसरे नंबर पे थोड़ा तेज़ होता है, तीन नंबर पे थोड़ा और तेज़, चार नंबर पे और तेज़, तो इस तरह कैसे वो क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संख्याओं द्वारा नियंत्रण ही संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है और ये एक ऑटोमेटेड है ये। ठीक, और इसमें जो नियंत्रण होगा वो टेप कमांड के द्वारा, विद्युत कमांड के द्वारा या कंप्यूटर द्वारा दिए गए कमांड की सहायता से किया जाएगा। मतलब हमको जो इसमें नियंत्रण मिलेगा वो टेप कमांड, जो टेप के अंदर सारे डाटा फीड होंगे उसके द्वारा, विद्युत कमांड, इलेक्ट्रिकल कमांड या कंप्यूटर मतलब कि उसमें प्रोग्राम जो फीड होंगे उनके द्वारा ये सहायता से किया जाएगा। फिर है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन, वह मशीन जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट द्वारा किया जाता है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाती है। ऐसी मशीन, अभी तक हम पढ़ रहे थे संख्यात्मक नियंत्रण क्या होता है, तो अब हम मशीन का भी प्रयोग कर रहे हैं और उस मशीन में हमेशा जो भी नियंत्रण होगा, जो भी कंट्रोलिंग होगी, वो हमेशा किसके द्वारा होगी, संख्याओं के द्वारा ही होगी। वह मशीन जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट द्वारा किया जाता है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाती है। तो अब हम यहाँ पे किसकी बात करें, मशीन की बात कर रहे हैं, तो मशीन जो ऑपरेट होगी वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, संख्या द्वारा ही। और यहाँ पर संख्या हम बना रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, मतलब सारा वर्किंग जो होगा वो संख्या पर ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब प्रोग्राम क्या चीज़ होती है भाई, देखिए कंप्यूटर किसी चीज़ को नहीं समझता, वो प्रोग्राम के द्वारा ही सारी क्रियाओं को अग्रसरित करता है। वो हमारी भाषा नहीं समझता, आपकी भाषा नहीं समझता, वो अपनी भाषा जो समझता है और उस भाषा को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा। तो प्रोग्रामिंग की भाषा होती है वो हमेशा निर्देश पर निर्भर करती है। निर्देश का मतलब, जिस प्रकार आपको पढ़ने के लिए निर्देश दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे नंबर आएंगे, उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी हम प्रोग्राम के द्वारा निर्देश देते हैं कि तुमको इस प्रकार से करना है और यह उसमें आउटपुट आपको मिलेगा। तो निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं, ये याद कर लीजिए, निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम में मशीन पर किए जाने वाले प्रक्रम, अब प्रोग्राम में मशीन पर, जैसे अगर किसी मशीन पर हमको कोई वर्क करना है तो हम उसके लिए प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं कि मशीन चलनी कब है, बंद कब होनी है, क्या उसका वर्किंग है, क्या उसके प्रोसेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं मशीन का प्रारंभ होना, तो मशीन के प्रारंभ होने में भी प्रोग्राम की आवश्यकता हमें पड़ती है। फिर है मशीन का बंद होना, मशीन को अगर बंद करना है तो भी हमें प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न मशीनन प्रक्रम का विवरण, अब जैसे विभिन्न मशीनन प्रक्रम का विवरण का मतलब कि विभिन्न प्रकार की मशीनन की क्रियाएं होती हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, बोरिंग, टर्निंग, नर्लिंग, इन सारी क्रियाओं को हम मशीनन प्रक्रम कहते हैं। तो इनके लिए भी प्रोग्राम बनाना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसमें मशीन का प्रारंभ होना भी प्रोग्राम होता है, मशीन का बंद होना भी आपका क्या है, प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा, और विभिन्न मशीनन प्रक्रम का विवरण भी प्रोग्राम के अंतर्गत ही आएगा। यह वह मशीन है, देखिए नोट में लिखा है, यह वह मशीन होती है जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट द्वारा किया जाता है।
अब एग्जाम में पूछता भी है कि संख्यात्मक नियंत्रण मशीन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर संख्यात्मक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल, नियंत्रण को कंट्रोल, और यहाँ पे मशीन मीन्स न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मतलब संख्या का प्रयोग करके जो मशीन कंट्रोल की जाती है उसे हम लोग कहते हैं संख्यात्मक नियंत्रण मशीन। तो यहाँ पर यह है कि यह वो मशीन होती है जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर निर्देशों के सेट की बात आ गई तो सीधे तौर पर आप समझ जाइए कि हम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ निर्देशों का सेट क्या होता है, देखिए निर्देशों का सेट क्या है, वो प्रोग्राम है। तो यह वह मशीन होती है जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट द्वारा ही किया जाता है और वो प्रोग्राम कहलाता है। तो एग्ज़ाम के लिए एकदम याद कर लीजिए कि प्रोग्राम निर्देशों के सेट को हम कहते हैं, और प्रोग्राम हमेशा विभिन्न प्रकार के मशीनन क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मशीन का आरंभ होना, मशीन का बंद होना, विभिन्न मशीनन प्रक्रम। और जिस मशीन पर संख्या का नियंत्रण करके सारी क्रियाविधि की जाती है वह मशीन कहलाती है आपकी संख्यात्मक नियंत्रण मशीन। तो एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल या संख्यात्मक नियंत्रण मशीन किसे कहते हैं, तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं वह मशीन जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट के द्वारा किया जाता है वह संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाता है। अब संख्यात्मक नियंत्रण मशीन क्या चीज़ है, तो आप सीधे कह दें जहाँ पर नियंत्रण संख्याओं द्वारा किया जा रहा है। तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि संख्या का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, अरे भाई शून्य संख्या है, एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या, ये सारी संख्याएं हैं और संख्याओं द्वारा इनका नियंत्रण मतलब होगा कंट्रोलिंग, मतलब अगर हमको फ़ैन को ऑन करना है तो हम एक बटन दबाएंगे, अगर हमको फ़ैन को ऑफ़ करना है तो ज़ीरो बटन दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नियंत्रण क्या है, फ़ैन की स्पीड को बढ़ानी है तो ज़ीरो पे वो बंद होगा, एक नंबर पे वो ऑन हो जाएगा, दो नंबर पे स्पीड बढ़ेगी, तीन नंबर पे और स्पीड बढ़ेगी, चार नंबर पे और स्पीड, इस तरह से जैसे जैसे हम संख्या को बढ़ाते चले जा रहे हैं उसके गति में भी परिवर्तन होता जा रहा है, उसकी गति बढ़ती चली जा रही है। तो ये हो गया संख्याओं द्वारा नियंत्रण उस फ़ैन का। उसी प्रकार से हम मशीन में भी नियंत्रण करते हैं संख्याओं द्वारा। तो ये क्लियर हो गई चीज़, तो ये एग्जाम में पूछने वाला भी क्वेश्चन है कि किसे कहते हैं, तो आप सीधे कह सकते हैं वह मशीन जिसका नियंत्रण निर्देशों के सेट के द्वारा किया जाता है वह संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है, और निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्राम के द्वारा ही सारी चीज़ों को हम बनाने का कार्य करते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बेटा कि संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के मुख्य अवयव क्या होते हैं। तो संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के तीन अवयव आपके मेन होते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल। मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल, तो अब ये यही तीनों आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम याद कर लीजिए कि अब न्यूमेरिक कंट्रोल के कितने अवयव होते हैं, तो आप सीधे कह सकते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल, यही तीन होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के मुख्य अवयव क्या होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल। अब है मशीन कंट्रोल यूनिट किसे कहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ देखते हैं, यह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है। देखिए ब्रेन का मतलब जो सारा डाटा अपने अंदर समायोजित किया रहे, यहाँ ब्रेन मतलब दिमाग। तो संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन कौन होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जो प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आ गई कि ये प्रोग्राम का अध्ययन भी कर रहे हैं और उनको क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, तो यह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है, जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जो प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्रेन है, ब्रेन मतलब दिमाग, और दिमाग में सारी चीज़ें क्या होती हैं, फीड होती हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये ब्रेन है और इसमें सारा चीज़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टोर होता चला जा रहा है। ब्रेन और उसके दिमाग में क्या है, प्रोग्राम्स हैं, सारे कंट्रोलिंग है, सारी चीज़ें उसके ब्रेन में ही होंगी। तो इसे कह सकते हैं कि यह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है। जिस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसी प्रकार से हमारे न्यूमेरिक कंट्रोल में सेंट्रल प्रोसेसिंग की जगह क्या लगा होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग है, वो एक जगह से सब चीज़ को हैंडल करता है, उसी प्रकार यहाँ मशीन कंट्रोल यूनिट कहलाता है और कोई अंतर नहीं है उसमें। तो ये ब्रेन होता है जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। हार्डवेयर का मतलब जो हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब जैसे आपके प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं, मतलब उसमें जो प्रोग्राम होगा
प्रोग्राम मतलब निर्देशों के सेटों का वो अध्ययन करेंगे, निर्देशों को जांचेंगे, निर्देशों को परखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और फिर अध्ययन करने के बाद उनके ऊपर प्रोसेस करेंगे, जिससे कि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया या प्रणाली सुचारू ढंग से चलती रहे। तो यह संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन है, जिसमें सभी आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जो प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं तथा क्रियान्वयन के लिए निर्देशित करते हैं। यह प्रोग्राम को अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने का माया पर सीधे तौर पर मतलब है कि पढ़ेंगे, उनको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उनको आगे की ओर क्रिया प्रोसेसिंग, क्रियान्वयन का मतलब यहाँ प्रोसेसिंग से है, प्रोसेसिंग करने के लिए फिर उनको डायरेक्शन देंगे या निर्देशित करेंगे। यह प्रोग्राम एवं मशीन टूल के बीच की कड़ी होती है। देखिए यहाँ मशीन कंट्रोल यूनिट है और यहाँ सीधे तौर पर है क्या, यह प्रोग्राम मतलब पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल के बीच की क्या चीज़ है, एक कड़ी होती है। कड़ी का मतलब यहाँ पर किससे हुआ, एक चेन है। अगर यह मशीन कंट्रोल यूनिट नहीं रहेगी तो पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यह प्रोग्राम एवं मशीन टूल के बीच की कड़ी होती है। अब लिखिए मशीन टूल के मुख्य अवयव क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टेप रीडर, दूसरा है डाटा बफर और तीसरा सिग्नल आउटपुट चैनल। ये तीन चीज़ आपकी बेटा मेन होती है। तो मशीन टूल के मुख्य अवयव क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मशीन टूल के मुख्य अवयव के बारे में बताइए, तो आप कह सकते हैं टेप रीडर, डाटा बफर और सिग्नल आउटपुट चैनल, ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं बेटा टेप रीडर पर। जैसा नाम वैसा काम, टेप रीडर मतलब ऐसा टेप जो सारे डाटा को रीड कर पाए, रीड मतलब पढ़ पाए, और पढ़ने के बाद, पढ़ना मतलब यहाँ पर मतलब हुआ कि उसका अध्ययन करना, उनको समझना और समझने के बाद उसको आगे की ओर निर्देशित करना, जिससे कि उत्पादन की प्रक्रिया हमारी चले। तो टेप रीडर यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक भी है और मैकेनिकल भी है। तो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युतीय और मैकेनिकल मतलब यांत्रिकी उपकरण होता है, जिसमें आवश्यक निर्देशों को विभिन्न सिग्नल के रूप में भंडारित किया जाता है। यहाँ भंडारित करने का मतलब बेटा है स्टोर करना, जहाँ भी भंडारित का नाम आएगा आप सीधे समझ जाएंगे कि उसको स्टोर करना समझते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है, जिसमें आवश्यक निर्देशों को विभिन्न सिग्नल के रूप में भंडारित किया जाता है। तो हम इसमें निर्देशों को क्या कर रहे हैं, मुंह से बोल नहीं रहे हैं ना इसको कुछ लिख रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनको सिग्नल के रूप में हम स्टोर कर रहे हैं। डाटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आप कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पेनड्राइव के माध्यम से या मेमोरी कार्ड के माध्यम से स्टोर करते हैं। तो इसी प्रकार से यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है, जिसमें आवश्यक निर्देशों को विभिन्न सिग्नल के रूप में स्टोर किया जाता है। फिर है डाटा बफर, टेप में भंडारित सिग्नल को ब्लॉक के रूप में भंडारित डाटा बफर में किया जाता है। टेप मतलब जिसमें जो टेप जिसमें डाटा रखा जाता है, में भंडारित सिग्नल, भंडारित मतलब स्टोर्ड, जो डाटा पहले से हमारा स्टोर हमको मिल चुका है कहाँ से, टेप रीडर से। तो टेप में भंडारित सिग्नल, स्टोर सिग्नल को ब्लॉक के रूप में भंडारित डाटा बफर में किया जाता है। तो डाटा बफर क्या है, एक इसे हम लोग कह सकते हैं ये टेम्परेरी मेमोरी है, जिसमें डाटा को क्या करता है, स्टोर किया जाता है और उसी डाटा को पढ़कर, समझकर, अध्ययन करके आगे की ओर भेजा जाता है और मशीन टूल उन डाटा के अनुसार या निर्देशों के अनुसार कार्य करता है और उसी डाटा को आगे की ओर फिर वो अग्रसरित करता है। तो ये तो चीज़ें हो गई डाटा बफर और टेप रीडर के बारे में। तो ये एग्जाम में समझ लीजिए कि टेप रीडर, डाटा बफर और सिग्नल आउटपुट चैनल, ये चीज़ें हमेशा आपको मिलेंगी और इसके बारे में आपको बताना भी रहेगा। तो टेप रीडर आप कह देंगे यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है, जिसमें आवश्यक निर्देशों को विभिन्न सिग्नल के रूप में भंडारित किया जाता है। फिर डाटा बफर, टेप में भंडारित सिग्नल को ब्लॉक के रूप में भंडारित डाटा बफर में किया जाता है, मतलब उसको हम ब्लॉक्स के रूप में क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं और आगे की ओर अग्रसरित करते हैं। फिर अब हम आते हैं सिग्नल आउटपुट चैनल पे। सिग्नल आउटपुट चैनल क्या होता है, तो देखिए लिखा है यह डाटा बफर में भंडारित सिग्नल को सर्वो मोटर में जोड़ता है। यह डाटा बफर में भंडारित, जो डाटा बफर में जो भी चीज़ें स्टोर रहेंगी उन सिग्नल को वो सर्वो मोटर में भेजने का कार्य करता है। तो मतलब जो भी डाटा बफर में भंडारित डाटा स्टोर होगा वो उसके सिग्नल को सर्वो मोटर में भेजने का या जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मशीन कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट दिखाया गया, यहाँ पे एक इनपुट डाटा है, इनपुट डाटा दिया गया टेप रीडर को,
तो टेप रीडर इनपुट डाटा को पढ़ने का काम करता है, और फिर टेप रीडर उस डाटा में उसको मेमोरी स्टोरेज में रख दिया गया। फिर जो मेमोरी स्टोरेज में जो डाटा मिला उसको हम कंप्रेशर में रखे, जो कंप्रेस किया गया डाटा मतलब सारे डाटा को क्या किए एक जगह पर संकलित कर लिए, और कंप्रेस में करने के बाद सर्वो मोटर फीडबैक पे उसको हम भेज दिए। अब सर्वो मोटर फीडबैक एक तरीके से कह सकते हैं ये आउटपुट है, और फिर ये डाटा अग्रसरित करता है आपको मशीन कंट्रोल यूनिट के कंपोनेंट्स को। तो इनपुट डाटा आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो जाता है फिर टेप रीडर पर, टेप रीडर इनपुट डाटा को पढ़ने का काम करता है, उसकी मेमोरी में वो सारा डाटा स्टोर हो गया। सारे डाटा को हम एक जगह कंपाइल करके कंप्रेस किए, कंप्रेस करने के बाद फिर उसको आगे कर अग्रसरित किए, और हमको यहाँ सर्वो मोटर फीडबैक प्राप्त होता है जो कि आउटपुट कहा जाता है। तो ये है सिग्नल आउटपुट चैनल, मतलब सिग्नल हमको प्राप्त हुआ और वो आउटपुट चैनल में फिर हमको चला गया। अब आते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट के प्रकार। मशीन कंट्रोल यूनिट कितने प्रकार की होती है, तो पहला है व्यवस्थापक कंट्रोल, दूसरा है घुमाऊ मशीन कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल। तीन प्रकार की होती है, व्यवस्थापक कंट्रोल, घुमाऊ मशीन कंट्रोल और अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल। ये तीन प्रकार की बेटा मशीन कंट्रोल यूनिट होती है। फिर अब आते हैं पार्ट प्रोग्राम पर। पार्ट प्रोग्राम यह निर्देशों का एक सेट होता है, निर्देशों का सेट होता है जो विभिन्न प्राचालक आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करता है। निर्देशों के सेट को हम लोग जानते भी हैं प्रोग्राम कहते हैं, जो विभिन्न प्राचालक मतलब कि कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेटिव क्या क्या करते हैं रिकॉर्ड्स को एक क्रमबद्ध व्यवस्थित मतलब उसको सीक्वेंस में रखने का कार्य करता है। यह निम्न होते हैं, जैसे कटाई टूल के पथ को भी वो बताते हैं, स्पिंडल स्पीड को भी बताते हैं, फिर भरण दर को भी बताते हैं, और फिर आपके टूल बदलाव को भी बताने का कार्य करते हैं। तो पार्ट प्रोग्राम समझ लीजिए इसको एग्जाम में आएगा कैसे लिखेंगे। यह निर्देशों का सेट होता है जो विभिन्न प्राचालक आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की कार्य करता है। यह निम्न होते हैं, जैसे कि कटाई टूल पथ के लिए भी, स्पिंडल स्पीड के लिए भी, स्पिंडल की गति के लिए भी, भरण दर फीड रेट के लिए भी, और टूल बदलाव मतलब टूल चेंजिंग करने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और फिर इसमें पाँचवें नंबर पर आपका दिखा रहा है कूलेंट ऑन या ऑफ। तो कूलेंट ऑन ऑफ में हम देखेंगे यहाँ पे कूलेंट का मतलब यहाँ पर शीतलक से है, मतलब शीतलक की कब हमको चाहिए, जब हमको चाहिए रहेगा तो ऑन कर देंगे, जब हमको नहीं चाहिएगा तो उसे ऑफ कर देंगे। और अदर्स में अन्य में आते हैं मशीन टूल किसे कहते हैं, ये तीसरा पार्ट है। किसका पार्ट है, न्यूमेरिक कंट्रोल का, संख्यात्मक नियंत्रण का तीसरा अवयव है मशीन टूल। पहला अवयव था मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा था पार्ट प्रोग्राम, और तीसरा है मशीन टूल। यह उत्पाद का मुख्य अंग होता है, ध्यान से पढ़िए, यह उत्पाद का मुख्य अंग होता है, मतलब इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यह वास्तविक मशीन क्रिया करता है, मतलब जो भी डाटा हमको ऊपर से मिल रहा है मतलब कि मशीन कंट्रोल यूनिट से या पार्ट प्रोग्राम से, मशीन में क्रिया यही करता है, तो यह वास्तविक मशीन क्रिया करता है। मशीन टूल के रूप में लेथ मशीन, ड्रिल मशीन या मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम वास्तविक मशीन, इसी को हम कहते हैं वास्तविक मशीन। इसी के बाद वो सारा चीज़ क्या होता है, वह किसमें बनता है, इसी के बाद वो फिर वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यह उत्पाद का मुख्य अंग होगा, यह वास्तविक मशीन का ही कार्य करेगा। मशीन टूल के रूप में लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर यह मतलब हुआ कि मशीन टूल क्या चीज़ है। मशीन टूल का मतलब यह है कि यह एक वास्तविक मशीन होती है जो ऊपर से मिले आदेशों या निर्देशों को समझती है और उसको उत्पाद को बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देती है। फिर यहाँ पे है पार्ट प्रोग्राम, इसका एक फ्लोचार्ट देख लीजिए। पार्ट प्रोग्राम यहाँ पे भरण, भरण मतलब यहाँ फीड, मशीन कंट्रोल यूनिट पे डाटा गया, यहाँ पे उसका प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करने के बाद मशीन टूल पे चला गया, और मशीन टूल के बाद वो सीधे तौर पर क्या हो जाता है, वो प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मशीन टूल जो उत्पाद के निर्माण के लिए मशीन रखी गई है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वास्तविक कार्यों को करने के लिए करते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग सारी एट्सेट्रा। तो यहाँ पार्ट प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि भरण है, भरण के बाद वो डाटा मशीन कंट्रोल यूनिट पे गया, मशीन कंट्रोल यूनिट पे प्रोसेस होके फिर वो डाटा हमारा मशीन टूल पे चला गया। तो ये पूरी चीज़ें हैं न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन के तीन अवयव, आपके मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल। तो मशीन कंट्रोल यूनिट आपका ब्रेन होता है, इसमें सारे डाटा संकलित होते हैं और वही डाटा उन्हीं डाटा को टेप रीडर द्वारा अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करने के बाद आगे को अग्रसरित किया जाता है। जिन डाटा को अध्ययन करते हैं उन डाटा को हम लोग कहते हैं पार्ट प्रोग्राम,
मतलब निर्देशों के सेट को। अब इन निर्देशों के सेट को हम आगे की ओर अग्रसरित करते हैं मशीन टूल में, तो मशीन टूल जो होती है वो एक वास्तविक मशीन होती है जिसमें ऊपर के दिए गए निर्देशों और आदेशों को क्रियान्वयन करके उत्पाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक यहाँ पर फ्लो चार्ट दिखाया गया है असेंबली लाइन फ्लो डायग्राम का। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल दिखाया गया, कंट्रोल पैनल से आपका डाटा आ गया, डाटा डिकोडिंग कंट्रोल है। डिकोडिंग का मतलब कि उसकी भाषा में वो डाटा क्या हुआ, डिकोड हो गया। और यहाँ पे कंट्रोल एरिया दिखाया गया, बफर। बफर मतलब कि क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम है जिसमें प्रोग्राम हमारे सारे फीड होते जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया टेप रीडर, तो टेप रीडर है जो है आपका, टेप रीडर जो मतलब कि प्रोग्राम को रीड करने का कार्य करता है, तो इस टेप द्वारा उसको रीड किया जाएगा। तो टेप रीडर, फिर डाटा कहा गया डाटा डिकोडिंग, बफर में स्टोरेज में, और फिर वो डाटा एक्सिलरी फंक्शन, मतलब कि क्या है, एक्सिलरी फंक्शन की क्रिया के लिए वहाँ भेजा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है फीड रेट कंट्रोल एरिया। फीड रेट मतलब उसको भरण दर के लिए क्या उसके नियंत्रण किया गया, इंटरपोलेटर यहाँ पे है। और फिर उसका सर्वोमीटर एरिया फीडबैक, मतलब आउटपुट चैनल पे फिर उसका क्या मिला। अब ये सारे डाटा कहाँ चलेगा, मशीन टूल पे, और मशीन टूल उनको अग्रसरित करके प्रोडक्शन में प्रोडक्ट का निर्माण करा देता है। ठीक, अब हम आते हैं लाभ एवं सीमाएँ किसके, एनसी के। लाभ सबसे पहला है उत्पादन लीड समय कम होता है। लीड समय का मतलब होता है एक उत्पाद, जो उत्पाद आया वो आगे उसको हम ले रहे हैं और उसके पीछे दूसरे उत्पाद को हम अभी वेटिंग लाइन में लगा दिए प्रोडक्शन के लिए, तो उत्पादन लीड समय कम होता है। मानवीय त्रुटियों में कमी, इसमें किसी भी प्रकार के मानव का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि मानव का उपयोग किया ही नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि एनसी मशीन को चलाने के लिए भी मानव का ही प्रयोग किया जाएगा, लेकिन मानवीय त्रुटियों में कमी, ये मशीन के द्वारा संचालित हो रहा है, इस नाते हम कह सकते हैं कि इसमें मानवीय त्रुटियों में कमी आती है। तो उत्पादन लीड समय कम होता है, मानवीय त्रुटियों में कमी आती है क्योंकि मानव का प्रयोग बहुत कम किया जा रहा है। फिर अधिकतम यथार्थता, मतलब हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इस नाते प्राप्त हो रही है कि इसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है और सारी चीज़ें एक कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित हो रही हैं। उत्पादन नम्यता, मतलब कि यहाँ प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन एकदम फ्लेक्सिबल है आपका और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादन नम्यता का मतलब यह हुआ कि अगर प्रोग्राम में किसी एक स्टेप में हम कोई परिवर्तन करते हैं तो पूरे प्रोग्राम को हमको परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा और प्रोग्राम आसानी से हैंडल हो जाएगा और हमारी सारी क्रियाविधि कम्प्लीट हो जाएगी। स्क्रैप में कमी, यहाँ पर स्क्रैप का बेटा सीधे तौर पर मतलब है जैसे स्क्रैप मटेरियल हम कहते हैं कबाड़, जिसका यूज अब हमको नहीं है, एक बार यूज हो गया अब हमको यूज नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रैप में कमी। तो भाई जब हमारा हर काम प्रोसेस किससे हो रहा है, मशीन के द्वारा ही हो रहा है, तो उसमें वेस्टेज भी बहुत कम हो जाता है। जब वेस्टेज ज़्यादा होगा तो स्क्रैप ज़्यादा बनेगा और जब वेस्टेज कम होगा तो स्क्रैप भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें क्या ऑटोमेटिक तरीके से हो रही हैं, इसी वजह से उसमें स्क्रैप में भी कमी होती जा रही है। उत्पादन में बढ़ोतरी, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, उत्पादन में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें कम समय लग रहा है, एक्यूरेसी ज़्यादा मिल रही है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम है। तो उत्पादन में बढ़ोतरी इस नाते होगी क्योंकि क्या है, वो मशीन पे ही सारा कार्य किया जा रहा है, तो मशीन क्या कर रही है, कम समय में अधिक उत्पादन की क्रिया कर रही है और इसी नाते उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे। ठीक, फिर आगे की ओर हम पढ़ते हैं उसमें, फिर है निम्न टूल लागत। निम्न टूल लागत मतलब इसमें टूल में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक बार हम उसको मशीन को सेटअप कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, तो मशीन हमेशा चलती रहेगी और हमें उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। एक पॉइंट है उच्च ऑपरेटर दक्षता, मतलब इस चीज़ को जो भी ऑपरेटर यूज कर रहा है उसकी दक्षता ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है और इस मशीन पे जो भी कार्य करेगा उसको प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं, एक बार और हम आपको डिस्कस कर दें, उत्पादन लीड समय कम होता है, मानवीय त्रुटियों में कमी, मानव का प्रयोग बहुत कम होगा और इस नाते त्रुटियों भी कम होती जाएंगी, अधिकतम हाई एक्यूरेसी, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा या जो भी आपको डाटा मिलेगा वो हाई एक्यूरेसी का रहेगा। और एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वो डाटा एकदम क्या है, एक्यूरेट रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन जल्दी नहीं हो पाएगा। फिर उत्पादन नम्यता, प्रोग्राम में अगर किसी एक पॉइंट पर हमको कोई चीज़ चेंज करनी है तो पूरे प्रोग्राम को हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, उस सिंगल स्टेप को चेंज करने से मेरे पूरे प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं होगा और सुचारू ढंग से चलता रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं उत्पादन नम्यता। स्क्रैप में कमी मीन्स वेस्टेज में कमी, जितना ज़्यादा वेस्ट बढ़ेगा उतना स्क्रैप बढ़ेगा, इस वजह से स्क्रैप हमारा इस नाते नहीं
बढ़ रहा है क्योंकि सारा काम ऑटोमेटिक है और मशीन के द्वारा जो भी डाटा दिया जा रहा है वो उसी के अनुसार वो कार्य कर रही है, एक्स्ट्रा किसी भी कार्य को नहीं, और इसमें मानव का प्रयोग कम हो रहा है, इस नाते उसमें स्क्रैप में भी कमी आ जा रही है। उत्पादकता में बढ़ोतरी, अब भाई उत्पादन इस नाते बढ़ रहा है क्योंकि मशीन से ही सारा काम लिया जा रहा है और मशीन पर ही सारा काम किया जा रहा है, इस नाते उत्पादकता में हमारी बढ़ोतरी भी चलती जा रही है। निम्न टूल लागत, इसमें टूल लागत भी हमें कम लगती है, और उच्च ऑपरेटर दक्षता, जो ऑपरेटर इसको यूज कर रहा है, जो ऑपरेटर इस पर कार्य कर रहा है उसकी दक्षता भी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, जो प्रोग्राम को समझ सके, मेमोरी स्टोरेज के बारे में जानता रहे, मशीन कंट्रोल यूनिट को हैंडल करना जाने, मशीन टूल को कार्य करना जाने और प्रोग्रामिंग को अच्छी ढंग से जानता रहे, वही चीज़ को हैंडल कर पाएगा। अब हम आते हैं कि इसके सीमाएं क्या क्या होती हैं। सीमाएं, उच्च प्रारंभिक लागत, सबसे पहला चीज़ है बेटा उच्च प्रारंभिक लागत, इसकी जो लागत होगी वह उच्च होगी। उच्च होने का मतलब इस नाते है क्योंकि ये बहुत महंगी मशीन आती है तो उसको एक बार इंस्टॉल करने में हमें समय लगता है और पैसा लगता है, तो प्रारंभिक लागत का मतलब इसको इंस्टॉल करने में जो पैसा लगेगा वो हमारा ज़्यादा लगेगा और हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लागत भी अच्छी खासी लगानी पड़ेगी। कुशल कारीगर पर उच्च लागत, जो भी कारीगर का प्रयोग हम करेंगे उस मशीन को चलाने के लिए उसको भी हमें अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा या सैलरी देनी पड़ेगी जिससे कि वो कार्य को कर सके, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज बेस्ड वर्क है और ये प्रोग्रामिंग पर ही निर्भर करता है। अगर उस कारीगर को प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो वो उसको कार्य नहीं कर पाएगा, इसी नाते यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया कुशल कारीगर पर उच्च लागत। अनुरक्षण पर उच्च लागत, अनुरक्षण का बेटा मतलब होता है मेंटेनेंस पर, तो यहाँ मेंटेनेंस भी अगर हम बात करें तो अनुरक्षण पर उच्च लागत, हमको मेंटेनेंस पर भी ज़्यादा लागत लगानी पड़ रही है। फिर है विशेष ट्रेनिंग पर लागत, जो भी कारीगर कार्य कर रहा है उसको हमको विशेष ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, विशेष ट्रेनिंग का मतलब स्पेशल ट्रेनिंग दिया जा रहा है उस पर कार्य करने के लिए। फिर उच्च प्रचालन लागत, मतलब हाई डाटा रिकॉर्ड, तो इसके लिए भी हमको लागत उच्च लगानी पड़ती है कि सारे डाटा हमारे अच्छे से स्टोर रहें, और हाईली डाटा पे ज़्यादा लागत। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पर है, पहला है नियंत्रण लूप के आधार पर, दूसरा है गति नियंत्रण के आधार पर, फिर है निर्देशांक पद्धति के आधार पर, और फिर है शक्ति स्रोत के आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण लूप के आधार पर भी है, गति के नियंत्रण के आधार पर भी है, निर्देशांक पद्धति के आधार पर भी है और शक्ति स्रोत के आधार पर भी है। तो इन सारे क्लासिफिकेशन में हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम को चार भागों में डिवाइड किया गया, पहला नियंत्रण लूप के आधार पर, दूसरा गति नियंत्रण के आधार पर, तीसरा निर्देशांक पद्धति के आधार पर और चौथा शक्ति स्रोत के आधार पर। तो इन सारे स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है वो सही ढंग से कार्य कर सकता है और इस पर कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर उस पर कार्य करने वाला जो वर्कर या कर्मचारी रहेगा उसको सारी प्रोग्रामिंग सही ढंग से आती रहे और वो डाटा को सही प्रकार से नियोजित करता रहे और उसको समझता रहे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के। और इसमें जो अगला है कि हमको क्लासिफिकेशन कैसे करना है, तो क्लासिफिकेशन के लिए भी अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। इस पॉइंट्स पे जो अगला पॉइंट हमारा है वो यही है, पहला है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण। पहला तो संख्यात्मक नियंत्रण के वर्गीकरण को चार भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है नियंत्रण लूप के आधार पर। तो नियंत्रण लूप के आधार पर अगर हम बेटा पढ़ते हैं तो सबसे पहला है खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय और बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। फिर है गति नियंत्रण के आधार पर, बिंदु से बिंदु तक गति नियंत्रण, उसका सेकंड पार्ट है कांटूर गति नियंत्रण संख्या निकाय। तीसरा है निर्देशांक पद्धति के आधार पर, मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो पहला है बढ़ते संख्यात्मक नियंत्रण पद्धति और दूसरा अपरिवर्तनशील संख्यात्मक नियंत्रण पद्धति, ठीक। चौथा है शक्ति स्रोत के आधार पर, तो शक्ति स्रोत मतलब कि पावर सोर्स। तो शक्ति स्रोत के आधार पर हम लेते हैं तो सबसे पहला है विद्युत संचालित संख्यात्मक नियंत्रण, दूसरा है आपका द्रव्य संचालित संख्यात्मक नियंत्रण और फिर वायवीय संख्यात्मक नियंत्रण। तो ये संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। संख्यात्मक नियंत्रण का वर्गीकरण कैसे किया गया है, चार प्रकार से किया गया है और इन चारों प्रकार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनकी वर्किंग इन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित होती है। कहीं पर आप देख सकते हैं कि खुला ये नियंत्रण लूप के आधार पर इनका इसको समझा जा रहा है, कहीं पर इसको निर्देशांक पद्धति के आधार पर समझा जा रहा है और कहीं पर इसको किसके आधार पर है, शक्ति स्रोत के आधार पर इसको समझा जा रहा है।
तो ये आपके हैं संख्यात्मक नियंत्रण के वर्गीकरण के आधार यही हैं और जिनको हम समझ सकते हैं आसानी से इन पॉइंट्सों के द्वारा। तो संख्यात्मक नियंत्रण को हमको समझने के लिए इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस भी करना पड़ेगा कि जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और हमको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ भी जाए। तो संख्यात्मक नियंत्रण का ये चैप्टर जो है ये एग्ज़ाम में बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हमको सही ढंग से पढ़ना भी है और समझना भी है। अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में संख्यात्मक नियंत्रण निकाय से जो क्वेश्चन उठते हैं वो आपके बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनको हम कह सकते हैं कि अगर इनको सही ढंग से नहीं पढ़ा गया तो हमको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने में और आपको कार्य करने में भी आसानी इसमें होती रहेगी। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि संख्यात्मक नियंत्रण के टॉपिक्स को सही प्रकार से समझिए और इनके क्वेश्चंस को सही ढंग से हल करने का भी कार्य करिए क्योंकि इसमें से प्रोग्रामिंग भी पूछी जाती है और आपके वर्किंग भी पूछी इसमें जाएगी। ठीक, तो कोशिश करिए कि इनके सारे क्वेश्चंस को आप सही से हैंडल करें और इनकी वर्किंग भी समझें। तो अगला पॉइंट हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं कि संख्यात्मक नियंत्रण निकाय जो है चार भागों में हम ये पढ़ लिए कि चार भागों में इन्हें बांटा गया है इनके पद्धति के आधार पर और इनको कैसे हम अब आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि संख्यात्मक नियंत्रण लूप के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। इस निकाय नियंत्रण निकाय में इनपुट एवं आउटपुट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। इसका एक फिगर भी आप देख सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से देखिए सीधे नहीं जुड़े हैं, इनके बीच में एक क्या है संख्यात्मक नियंत्रण निकाय लगाया गया है। तो इस नियंत्रण निकाय में इनपुट एवं आउटपुट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं तथा साथ ही कोई फीडबैक उपकरण भी नहीं लगा होता। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई फीडबैक उपकरण नहीं लगाया गया है जिससे कि इनका आउटपुट पता चल जाए कि क्या आउटपुट इनका निकल के आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ इसको हम क्या समझेंगे कि इस नियंत्रण निकाय में इनपुट एवं आउटपुट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं तथा साथ ही कोई फीडबैक उपकरण भी इसमें नहीं लगाते। देखिए इनपुट कहीं नहीं जुड़ा है आउटपुट से, ना इस छोर से और ना इस छोर से। ठीक, और इसमें लिखा इसमें एक दिशा में संप्रेषण होता है, ये एक दिशा में ही हो रहा है। जैसे देखिए आप देख सकते हैं कि इनपुट से सीधे दिशा है वो आउटपुट की तरफ है, तो इनपुट से सीधे डाटा जा रहा है आपका आउटपुट की तरफ। ठीक, तो इनपुट के बीच में आप देखें संख्यात्मक नियंत्रण निकाय फिर आउटपुट, तो इनपुट मतलब जो डाटा हमको इनपुट के रूप में मिलता है जैसे कि प्रोग्राम, संख्यात्मक नियंत्रण निकाय जैसे जो टेप रीडर लगा होता है वो इन सारी चीज़ों को पढ़ता है और फिर वो सारी चीज़ों को अग्रसरित करता है आउटपुट की तरफ। तो हम ये कहेंगे कि इनपुट से डाटा आपका चला गया आउटपुट की तरफ बाई द यूज़ ऑफ संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। तो संख्यात्मक नियंत्रण निकाय एक बीच की कड़ी होती है जो हमेशा इनपुट और आउटपुट को क्या करती, बाधे रखती है। इस निकाय में कंट्रोलर के इनपुट से निर्देशों का सेट निकाय में आता है। उसे निर्देशों का सेट मतलब कि प्रोग्राम निकाय में आता है। निकाय मतलब संख्यात्मक नियंत्रण निकाय में। तो इनपुट में कहाँ से आ रहा है, इनपुट में कंट्रोलर के इनपुट से निर्देशों का सेट संख्यात्मक नियंत्रण निकाय में आता है तथा वास्तविक से बिना मिलान आउटपुट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि कंट्रोलर से जो निर्देशों का सेट होता है वो आपको इनपुट को मिलता है और इनपुट से वो सीधे संख्यात्मक नियंत्रण निकाय में जाता है और संख्यात्मक नियंत्रण निकाय से फिर वो आउटपुट की तरफ अग्रसरित हो जाता है। और इसमें क्या है, कोई भी मिलान इसमें नहीं हो रहा है कि क्या इसमें मिला और क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। तो आउटपुट इसमें आपको प्राप्त एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिल रहा है लेकिन उसकी कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही है। इसमें क्या है, इस नियंत्रण निकाय में इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं तथा साथ ही में कोई फीडबैक उपकरण भी नहीं लगा होता है। इसमें हमेशा इसमें जो संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा वो हमेशा एक दिशा में ही होगा। देखिए एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है इधर से इधर। तो इनपुट से संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, संख्यात्मक नियंत्रण निकाय से फिर आउटपुट की तरफ। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको बात। फिर अब हम आते हैं आपके दूसरे पॉइंट्स पर, यह है बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय। यहाँ पर बंद लूप का मतलब सीधे तौर पर ये हो गया कि अब हम इसमें आप देख सकते हैं पहले वाले में कि कहीं पर भी आपका लूप जो था बंद नहीं हो रहा था। अब इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो लूप होगा वो बंद भी हो रहा है। जैसे बंद लूप में आप देखें कि इनपुट संख्यात्मक निकाय फिर आउटपुट,
तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फीडबैक उपकरण भी यहाँ पे लगाया गया है। इसी नाते इसको बंद होने की वजह से, इस पूरे डायग्राम को बंद होने की वजह से हम लोग कहते हैं ये क्या है, बंद नियंत्रण निकाय है। तो बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, यहाँ पर एक इनपुट है जो कि हम बताए थे कि कंट्रोलर से जो निर्देशों का सेट हमको प्रोग्राम के रूप में मिलता है वो इनपुट के पास जाता है, इनपुट से वो संख्यात्मक नियंत्रण निकाय में जाएगा और फिर वो सीधे आउटपुट की ओर अग्रसरित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इनपुट से डाटा गया आउटपुट की तरफ और फिर वो डाटा, देखिए फीडबैक उपकरण, तो पिछले में आपके खुले नियंत्रण निकाय में कहीं पर भी फीडबैक उपकरण नहीं लगाया गया था, जबकि इसमें एक फीडबैक उपकरण लगाया गया है। आप देखिए इसमें आउटपुट जो वो इनपुट से जुड़ा है और इनपुट भी आउटपुट से जुड़ा है, क्योंकि आउटपुट से डाटा फीडबैक उपकरण की तरफ जा रहा है और फिर वो डाटा इनपुट की तरफ जा रहा है, और यहाँ से भी इनपुट से डाटा फीडबैक उपकरण की तरफ गया और फीडबैक उपकरण से फिर आउटपुट की तरफ। तो ये देखिए ये दोनों दिशाओं में फ्लो कर रहा है और यह एक बंद लूप का भी निर्माण कर रहा है, और बंद लूप के निर्माण की वजह से इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह एक बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय है। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इसके ये भी पढ़ लेते हैं। इसे फीडबैक नियंत्रण निकाय भी कहते हैं हम लोग, फीडबैक नियंत्रण निकाय इस नाते कहते हैं क्योंकि इसमें फीडबैक उपकरण लगा होता है। इसमें इनपुट के आंकड़ों को फीडबैक उपकरण की सहायता से आउटपुट में परिवर्तित करते हैं, इनपुट के आंकड़ों को फीडबैक उपकरण की सहायता से आउटपुट में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि पहले वाले में कहीं भी फीडबैक उपकरण नहीं लगा था और हमेशा एक ही दिशा में संचरण हो रहा था, किसका, कम्युनिकेशन का, जबकि इसमें दोनों दिशाओं में संचरण हो रहा है कम्युनिकेशन का, इनपुट से फीडबैक उपकरण से फिर आउटपुट तक, आउटपुट से फीडबैक उपकरण फिर इनपुट तक। तो इनपुट के आंकड़ों को फीडबैक उपकरण की सहायता से आउटपुट में भी परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, इस निकाय में एरर कम होता है। देखिए लिखा है इस निकाय में एरर कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें फीडबैक उपकरण लगा है, कहीं पर भी एरर आएगा तो फीडबैक उपकरण उसको क्या करेगा, संज्ञान में लेगा और उसके ऊपर कार्य करके उसको सही करने का कार्य करेगा। निष्पादन उच्च होता है, निष्पादन का मतलब उसकी क्रियाविधि आसान हाई हो जाती है, कार्य करना उस पर सुचारू होता है और कार्य करना आसान हो जाता है। इसमें दो दिशा में संप्रेषण होता है, दो दिशा का मतलब देखिए इनपुट से फीडबैक उपकरण फिर आउटपुट तक गया, फिर आउटपुट से इनपुट तक, तब देखिए दोनों दिशाओं में इसमें संचरण हो रहा है, ये एक दिशा में नहीं दोनों दिशाओं में, इसे हम लोग कहते हैं द्विदिशा कंट्रोल सिस्टम, जबकि वो था आपका एक दिशा, उसमें जो भी एक ही दिशा में सारा संचरण हो रहा था, किसका, कम्युनिकेशन का। तो हम लोग कह सकते हैं कि बंद लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय जो होता है वो एक बंद लूप का निर्माण भी करता है और उसमें जो फीडबैक नियंत्रण निकाय भी, इसे हम लोग कहते हैं क्योंकि नियंत्रण, इसमें फीडबैक उपकरण लगा होता है, इसमें इनपुट के आंकड़ों को फीडबैक उपकरण की सहायता से आउटपुट में परिवर्तित भी किया जाता है। इस निकाय में एरर कम से कम होता है, निष्पादन उच्च होता है, इसमें दो दिशा में संप्रेषण की क्रिया होती है, एक दिशा में नहीं दोनों दिशाओं में संप्रेषण की क्रिया हो रही है। ठीक, अब हम आते हैं, देखिए इसका एक डायग्राम भी आपको हम दिखा सकते हैं, आप डायग्राम भी देखिए। इसमें एक फीडबैक उपकरण मशीन टूल के दिखा है कि इनपुट है और इनपुट से डाटा आपका गया बेटा, इस इनपुट में कंट्रोलर के माध्यम से उसको डाटा निर्देशित किया गया और वो मशीन कंट्रोल यूनिट में गया। तो कंट्रोलर में निर्देशों के सेट के द्वारा जो डाटा प्राप्त होता है वो होता है आपका पार्ट प्रोग्राम, और यहाँ निर्देश प्राप्त होकर किसको मिलता है, मशीन कंट्रोल यूनिट पे जाता है। ठीक, अब इन मशीन कंट्रोल यूनिट से वो डाटा फिर किस पे गया, मशीन टूल पे। तो यहाँ पे आपका इनपुट, यहाँ पे आपका निर्देश, यहाँ मशीन कंट्रोल यूनिट और ये आपका मशीन टूल है। तो यही तीन चीज़ आपकी मेन है। तो प्रोग्राम आपको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, यहाँ से मशीन कंट्रोल यूनिट, और ये तीनों अवयव किसके हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल के हैं, जो पिछले चैप्टर मैंने आपको पढ़ा भी चुका है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गति आंकड़े मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी डाटा। ठीक, यहाँ पे है सहायक फलन मतलब कि कह सकते हैं ऑक्सिलरी फंक्शन, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो डाटा मशीन टूल को मिलता है वो उस पर कार्य करता है, और यहाँ पर रहकर चालन प्रणाली मतलब ड्राइव सिस्टम मतलब AC सर्वो मोटर, DC सर्वो मोटर। ठीक, तो यहाँ पे चालन प्रणाली के द्वारा ही वो क्या चलता है, चलाने की क्रिया की जाती है, और ये इससे क्या बनता है, आउटपुट के रूप में हमको एक फीडबैक उपकरण यहाँ लगाया गया और फिर उससे एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो आप देखिए फीडबैक उपकरण मशीन टूल के साथ एक जो व्यवस्थित आरेख में दिखाया गया कि इनपुट से जो डाटा मिलता है वो निर्देशों के रूप में हमको मिलेगा और मशीन कंट्रोल यूनिट पर वो डाटा जाएगा, मशीन कंट्रोल यूनिट से वो मशीन टूल पर जाता है, मशीन टूल में हम गति के आंकड़े मतलब कितनी वेलोसिटी उस पर वर्क किया जा रहा है गति के आंकड़े को अनुसार, और फिर यहाँ चालन प्रणाली, यहाँ पर उसको दी गई कि
आपके सर्वोमीटर, जो भी आपके एसी सर्वोमीटर, डीसी सर्वोमीटर, जो फीडबैक हमको मिलेगा वह यहाँ से प्राप्त होगा। और यही मशीन कंट्रोल यूनिट से वो डाटा मशीन टूल पर गया, और मशीन टूल उन सारे प्रोग्राम्स को पढ़ के समझ के अध्ययन करके उसके ऊपर क्रिया करके उसको आगे को अग्रसरित करेंगे। और फीडबैक उपकरण यहाँ लगाए हैं कि जो भी डाटा प्राप्त हो रहा है उसका फीडबैक हमको क्या मिल रहा है उस चीज़ का। ठीक, तो यह एक चार्ट है, इसको भी आप समझें। अब हम आते हैं अपने दूसरे चार्ट पर कि खुला लूप निकाय जो होता है वो एक विमी संप्रेषण होता है। अभी पिछले जस्ट अभी हमको आपको बताए भी थे हम कि यहाँ पे एक मशीन टूल का देखिए निर्माण किया गया। यह एक मशीन टूल है, यह एक आपका वर्क पीस है और यह आपका टूल है। ठीक, यहाँ पर एक कम्युनिकेशन के लिए रखा गया, हमने बताया था वन वे कम्युनिकेशन। ओपन लूप में हमेशा कम्युनिकेशन एक दिशा में होती है और ये कंट्रोल सिस्टम है, ये जो पूरा बॉक्स बना है कंट्रोल सिस्टम का है। तो कंट्रोल सिस्टम से डाटा आपका एक ही दिशा में जा रहा है, कहाँ पे, मशीन टूल पे। तो कंट्रोल सिस्टम ने जो निर्देशित किया, जो आपको बताया, वो कहाँ गया, वो मशीन टूल पर गया। और मशीन टूल डाटा को क्या करेगा, अपने अंदर उसी को फिर प्रोसेस करेगा और उस पर प्रोडक्शन का कार्य करेगा। तो हमेशा डाटा एक वे में जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वन वे कम्युनिकेशन और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अब दूसरे में आइए, दूसरे में हमने बताया भी था कि जो बंद लूप होगा उसमें हमेशा जो डाटा रहेगा वो दोनों दिशाओं में जाएगा। एक मशीन टूल है, मशीन टूल में आप देखें टूल लगाइए वर्कपीस, और यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम होगा दोनों दिशाओं में यहाँ पे डाटा का संचरण हो रहा है। यहाँ पे लिखा भी गया टू वे कम्युनिकेशन, तो यहाँ टू वे जो कम्युनिकेशन है वो कंट्रोल सिस्टम के द्वारा मशीन टूल पर भी है और मशीन टूल से आपके कंट्रोल सिस्टम पर भी है। तो इस ये एक जो दोनों फिगर में अंतर बस ये है कि इसमें वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है कंट्रोल सिस्टम से मशीन टूल की तरफ, और यहाँ पर हो रहा है कंट्रोल सिस्टम से मशीन टूल की तरफ भी और मशीन टूल से कंट्रोल सिस्टम की तरफ भी। दोनों दिशाओं में संप्रेषण होने की वजह से इसे हम लोग कहते हैं बंद लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक, और ये है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसका यूज क्या है, बंद लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसे कहते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं गति नियंत्रण के आधार पर। पहला पॉइंट हम जो पढ़ेंगे इसमें कि गति नियंत्रण के आधार पर ये क्या होता है। देखिए, गति नियंत्रण के आधार पर बिंदु से बिंदु गति नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण निकाय, मतलब पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक, अब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे गति होगी वो पॉइंट टू पॉइंट ही कार्य करेगी, पॉइंट टू पॉइंट ही कार्य करेगी। देखिए जैसे यहाँ पे है, इसे स्थिति निकाय पोजिशन सिस्टम भी कहते हैं। स्थिति निकाय का मतलब होता है पोजिशन। इसमें मशीन टूल पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर ही गति करता है। मशीन टूल जो होगा पूर्व निर्धारित बिंदु, मतलब ऐसे बिंदु जो पहले से ही निर्धारित किए गए, 1 2 3 4, ये सारे बिंदु निर्धारित पहले से किए गए हैं और उसमें कोई नया बिंदु निर्धारित नहीं किया गया, और उन्हीं को क्या कहते हैं, पॉइंट मान के कार्य करता है। यह छिद्र संक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। छिद्र मतलब ड्रिलिंग, यह ड्रिलिंग प्रोग्राम से या ड्रिलिंग प्रोसेस के लिए उपयुक्त होता है। तो इसे हम लोग स्थिति निकाय भी कहते हैं। इसे मशीन टूल पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर ही गति करता है। यह छिद्र संक्रियाओं के लिए भी उपयुक्त माना जाता है, उदाहरण ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग, पंचिंग। ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, पंचिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अंतर्गत ही आती हैं। तो बिंदु से बिंदु गति संख्यात्मक नियंत्रण निकाय में हम कह सकते हैं इसे स्थिति निकाय भी कहते हैं। इसमें मशीन टूल पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर ही गति करता है। यह छिद्र संक्रियाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, उदाहरण ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग, पंचिंग। अब हम इसको समझ भी लेते हैं एक डायग्राम के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3, यहाँ पे तीन पॉइंट्स दिए गए हैं। ये एक वर्कपीस है, इसके अंदर तीन पॉइंट दिए गए हैं, तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब ये देख सकते हैं कि 1 से लेके 2 तक, तो इसके बीच, इसको हम लोग बिंदु कहेंगे, और इसके बीच के जो 1 से 2 में जाने में जो लगा उसे हम लोग कहते हैं पाथ या मार्ग। तो 1 से 2, तो पाथ 1 1 से 2, पाथ 2 2 से 3, और अगर 3 से 1 जाएगा तो पाथ 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु 1 2 3, और यहाँ पे पाथ बन गए 1 2, पाथ 1 2 2, पाथ 2 2 3, तो इसे हम लोग कहते हैं पाथ। देखिए यहाँ लिखा भी है 1 2 3 पॉइंट ऑफ मशीन टूल, 1 2 2 एंड 2 2 3 पाथ ऑफ मशीन टूल। तो हम ये ऊपर के पॉइंट में यही बताए थे कि इस ये हमेशा ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए ही मेन माना जाता है, क्योंकि यहाँ बिंदुओं के द्वारा ही हर चीज़ निर्धारित होता है। तो इसमें जो भी कार्य होगा, जो भी टूल जिस पर भी कार्य करेगा वो पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर ही कार्य करेगा। टूल मतलब गति करेगा, पॉइंट 1 से 2 की तरफ गति करेगा, 2 से फिर 3 की तरफ गति करेगा, बस।
क्योंकि ये बिंदु जो है पहले से निर्धारित किए रहते हैं कि इन बिंदुओं पर ही आपको चलना है, और इन्हीं बिंदुओं पर चलने के बाद आपकी ड्रिलिंग या रीमिंग या टैपिंग या बोरिंग की संक्रिया संचालित होगी। ये पॉइंट आपके हो गए, ठीक। ये होता है पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल सिस्टम, नाम सही है, पॉइंट टू पॉइंट मीन्स पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री मोशन, वन टू टू के बीच में मोशन हुआ तब जाके आपका ये ड्रिलिंग की प्रक्रिया हो गई। तो पहले आप पॉइंट निर्धारित करिए, फिर पाथ निर्धारित करिए, और फिर आपकी प्रोसेस करेंगे तब आपका ड्रिलिंग की प्रक्रिया फाइनल होगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसे हम लोग कहते हैं संख्यात्मक नियंत्रण मशीन, संख्यात्मक नियंत्रण मशीन। अब संख्यात्मक नियंत्रण अभी तक हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिक कंट्रोल, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं संख्यात्मक नियंत्रण मीन्स कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, CNC। एग्जाम में बहुत पूछने वाला ये टॉपिक है भैया। तो यहाँ पे हम आएंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइस जो होगा, जो इनपुट डिवाइस है आपका, वो क्या चीज़ है इस पॉइंट पर। इनपुट मतलब जो आपको निर्देश बताए भी थे कि जो निर्देशों के सेट के द्वारा हम प्रोग्राम बनाते हैं वो कंट्रोलर के द्वारा हमको प्रोग्राम्स के रूप में प्राप्त होता है। तो इनपुट डिवाइस से हमको पार्ट प्रोग्राम प्राप्त हुआ, तो इनपुट यहाँ पर क्या है, कंट्रोलर है। कंट्रोलर के द्वारा हमको पार्ट प्रोग्राम प्राप्त हुआ और वो पार्ट प्रोग्राम हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट MCU पर गया, और MCU को हैंडल करने के लिए यहाँ पर अलग से कंप्यूटर मॉनिटर दे दिया गया। अब यही कंप्यूटर मॉनिटर लगाने की वजह से हम इसको कह देते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर सेम रहेंगी, बस यहाँ पर एक कंप्यूटर मॉनिटर हम डिस्प्ले लगा दिए और इसको लगाने से ये कहलाने लगी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अगर हम इस कंप्यूटर मॉनिटर को यहाँ से हटा दें तब ये हमारा पूरा जो ग्राफ लेआउट रहेगा ये कहलाएगा न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन के लिए। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग हम कर रहे हैं और इस वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है। तो कंट्रोलर से इनपुट डिवाइस जो कंट्रोलर है उससे हमको पार्ट प्रोग्राम या निर्देशों का सेट प्राप्त हुआ और वो गया मशीन कंट्रोल यूनिट पे। मशीन कंट्रोल यूनिट में जो टेप रीडर लगा है वो डाटा को पढ़ता है और वो सीधे डाटा को प्रोसेस करके मशीन टूल पर अग्रसरित करता है। मशीन कंट्रोल यूनिट पे जो भी डाटा है वो एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा मॉनिटर उसके डिस्प्ले पर देखा जा सकता है और उसकी प्रक्रिया को समझा जा सकता है। अब ये डाटा जब मशीन टूल पर गया तो वहाँ पर हम देखेंगे उसकी गति के नियंत्रण भी देखेंगे और वहाँ पर चालन प्रणाली भी देखेंगे कि चालन प्रणाली किस माध्यम से संचालित हो रही है। तो यहाँ मोशन का डाटा मतलब गति का भी डाटा और ड्राइविंग सिस्टम का डाटा, दोनों डाटा को हम क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे और फिर जाके यहाँ पे देखेंगे कि ये मशीन टूल से जो भी डाटा मिलता है वो फीडबैक डिवाइस की तरफ बढ़ा और आउटपुट हमको क्या प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में। तो हमको जो इनपुट डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस या कंट्रोलर सिस्टम से निर्देशों का सेट या प्रोग्राम मशीन कंट्रोल यूनिट पर भेजा गया, मशीन कंट्रोल यूनिट में जो आपके टिप रीडर लगे हैं वो उन चीज़ों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो आगे की ओर अग्रसरित करते हैं या प्रोसेस करते हैं। इनके सारे डाटा को पढ़ने के लिए एक कंप्यूटर लगाया गया जो उसके जिसके मॉनिटर पर सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी और मशीन टूल उन सारे प्रोग्राम्स को पढ़कर आगे की ओर अग्रसरित करेगा और वो आउटपुट हमको प्राप्त कराएगा। तो इसमें पॉइंट यही है कि NC मशीन में नए उत्पाद के निर्माण के लिए हमें टेप रीडर में बार बार प्रोग्राम फीड करना पड़ता था, ठीक। तो NC मशीन में नए उत्पाद के निर्माण के लिए हमें टेप रीडर में बार बार नए प्रोग्राम फीड करने पड़ते थे जिसमें ज़्यादा समय लगते थे, ठीक, जिसमें ज़्यादा समय लगते थे और दिक्कत आती थी। तो इसी नाते हमने क्या किया, समय की हानि होती थी तथा त्रुटियां भी संभव होती थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम में बार बार बदलाव कठिन होता है भाई। अगर प्रोग्राम है उसमें बार बार अगर हम बदलाव करते रहेंगे तो हम प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे और हम प्रोडक्शन का कार्य भी समझ नहीं पाएंगे। इससे क्या होता है, समय की हानि भी होती है और त्रुटियाँ भी बहुत सारी होती हैं। तो प्रोग्राम में बार बार बदलाव करना कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए CNC मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रोग्राम में अगर CNC मशीन में हम टेप रीडर का प्रयोग करते थे और टेप रीडर में सारा डाटा फीड हो जाता था, लेकिन अगर हमको उस प्रोग्राम में कोई बदलाव करना रहता तो हम उसमें नहीं कर पाते थे। क्यों, क्योंकि बार बार प्रोग्राम बदलने से उसमें बहुत सारे एरर आ जाते थे और इन एरर को दूर करने के लिए या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम CNC मशीन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोग्राम में बार बार बदलाव करना ये क्या होता है, एरर होता है और ये कठिन भी होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम CNC मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिए। CNC मशीन सामान्य रूप से NC मशीन
ही होती है। इसमें MCU के रूप में एक डेडिकेटेड कंप्यूटर लगा होता है तथा टेप रीडर के स्थान पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है, आप पूछेंगे सर ये सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, अभी तक तो प्रोग्राम पढ़ रहे थे। तो हम ये जानते हैं कि निर्देशों के सेट को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम, तो अब लेकिन सॉफ्ट प्रोग्राम्स के सेट को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर, निर्देशों के सेट को कहते हैं प्रोग्राम और प्रोग्राम के सेट को कहते हैं सॉफ्टवेयर। ध्यान रखिएगा CNC मशीन भी सामान्य रूप से NC मशीन ही होती है। इसमें MCU के रूप में एक कंप्यूटर डेडिकेटेड कंप्यूटर लगा होता है और टेप रीडर के स्थान पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिए दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि MCU में एक कंप्यूटर लगा होता है डेडिकेटेड कंप्यूटर और टेप रीडर के स्थान पर यहाँ पर क्या प्रयोग किया जा रहा है सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। तो ये जान लीजिए कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब CNC निकाय के अवयव क्या क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है डिस्प्ले यूनिट, तीसरा है मशीन टूल, चौथा है ड्राइविंग सिस्टम, पांचवा है मशीन कंट्रोल यूनिट और छठा है फीडबैक डिवाइस। इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला है CNC निकाय के अवयव, एग्जाम में बहुत पूछने वाला पॉइंट्स भी है और क्वेश्चन भी है, तो आप इसको सीधे तौर पर लिखेंगे कि इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले यूनिट, मशीन टूल, ड्राइविंग सिस्टम, मशीन कंट्रोल यूनिट और फीडबैक डिवाइस। तो सबसे पहला आपका क्या, इनपुट डिवाइस, डिस्प्ले यूनिट, मशीन टूल, ड्राइविंग सिस्टम, मशीन कंट्रोल यूनिट और फीडबैक डिवाइस, ये सारी चीज़ें क्या है अवयव है किसके, CNC के अवयव है, कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल। ठीक है बेटा, तो आप ये भी जान गए कि CNC में क्या अंतर है। तो सबसे CNC का प्रयोग क्यों किया गया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि CNC का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं NC जब हमारे पास है, तो आप सीधे तौर पर लिखेंगे कि NC सिस्टम में बार बार हमको प्रोग्राम बदलने पड़ते थे। क्यों, क्योंकि एक प्रोग्राम में अगर बदलाव कहीं होता था तो हमको सारे प्रोग्राम में बदलना पड़ता था और उस कठिनाई की वजह से हमारे समय की भी हानि होती थी और हमें कठिनाई भी होती थी। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम एक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और जिस वजह से हम क्या करते हैं, हम CNC मशीन का प्रयोग करते हैं। तो CNC मशीन का मेन एडवांटेज ये है कि इसमें एक MCU में एक डेडिकेटेड कंप्यूटर लगा होता है और यहाँ पर टेप रीडर के स्थान पर हम एक क्या यूज करते हैं, टेप रीडर के स्थान पर हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं और सॉफ्टवेयर में ही सारा डाटा फीड हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम का एक सेट होता है और प्रोग्राम का सेट का मतलब निर्देशों का सेट। अब देखिए हर चीज़ एक कड़ी जुड़ी है एक दूसरे से, क्या निर्देशों का सेट प्रोग्राम बनता है, प्रोग्रामों का सेट सॉफ्टवेयर बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पार्ट प्रोग्राम किसे कहते हैं। हम तो ये जान गए प्रोग्राम, अब ये पार्ट प्रोग्राम मतलब अगर बहुत बड़े आपके प्रोग्राम हैं तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पार्ट प्रोग्राम। ठीक, प्रोग्राम बहुत बड़े हैं और उसमें ज़्यादा सीक्वेंस हैं, ज़्यादा उसमें निर्देशों की संख्या है, तो उसको एक बार में पढ़ना, एक बार में क्रियान्वित करना आसान नहीं होता। इस वजह से हम उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, उसे कहते हैं पार्ट प्रोग्राम। देखिए यह संकेतों एवं आदेशों का विस्तृत सेट होता है। संकेतों का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, इंडिकेशन, और आदेशों का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन, या ये क्या है, इंडिकेशन एवं डायरेक्शन का एक विस्तृत सेट होता है। मतलब ये क्या है, इट इज अ सेट, यह संकेतों आपके इंडिकेशन और डायरेक्शन का एक सेट है जिसमें मशीन टूल क्रियान्वित होता है। देखिए पार्ट प्रोग्राम से जो भी डाटा मिलता है वो मशीन टूल पर जाता है और मशीन टूल उन डाटा को पढ़ के आगे की ओर भेजता है और तब जाके प्रोडक्शन का कार्य चलता है। तो अगर हमको पार्ट प्रोग्राम सही ढंग से नहीं मिलेगा, हमको संकेत और हमको निर्देश अगर सही प्रकार से नहीं मिलेंगे, तब मशीन कंट्रोल मशीन टूल हमें एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। तो एक अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हमेशा पार्ट प्रोग्राम क्लियर होना चाहिए और मशीन टूल को उन सारे प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि मशीन टूल इन सारे प्रोग्राम्स को पढ़ेगा और तभी आगे की ओर अग्रसरित कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें पार्ट प्रोग्राम को भी अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पार्ट प्रोग्राम की सारी स्थितियों को समझ लीजिए, यह एक संकेतों और निर्देशों का एक विस्तृत सेट होता है। टेक
जिसमें मशीन टूल क्रियान्वित होती है। पार्ट प्रोग्राम मशीन टूल के सभी अवयवों इस मशीनन प्रक्रम चर राशि का विश्लेषण करता है। जो पार्ट प्रोग्राम होगा मशीन टूल के सभी अवयवों जैसे मशीनन प्रक्रम चर राशि का विश्लेषण करेगा। मतलब मशीन टूल के सभी अवयव, मतलब मशीन टूल के सारे कंपोनेंट्स जो उसमें मशीन टूल में लगे होते हैं, जैसे गियर्स होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, विश्लेषण करेगा। मशीन प्रक्रम सारी चीज़ों को बताएगा। पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में लिखते हैं ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल APT। पार्ट प्रोग्राम को अगर हम कंप्यूटर की भाषा में लिखेंगे तो उसको सीधे तौर पर लिखते हैं ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल APT। एग्जाम में आता भी है व्हाट डू यू मीन बाई APT, तो आप सीधे लिखेंगे पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में समझने के लिए लिखते हैं हम लोग ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल। तो यह संकेतों एवं आदेशों का एक विस्तृत सेट होता है जिसमें मशीन टूल क्रियान्वित होता है। पार्ट प्रोग्राम मशीन टूल के सभी अवयवों, जो पार्ट प्रोग्राम होगा मशीन टूल के सारे कंपोनेंट्स को, जैसे कि आपकी मशीनन प्रक्रम, चर राशि का विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में समझने या लिखने के लिए हम लोग ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ होती है, जो पिछले में पढ़े भी हैं, एक बार फिर आपको हम बता दें। एक माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसमें सभी प्रोग्राम फीड किए जाते हैं। मतलब एक माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें सभी प्रोग्राम फीड किए जाते हैं, ये जान रहे हैं। यह प्रोग्राम निर्देशों के रूप में कंप्यूटर की भाषा में फीड किए जाते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में ऊपर के प्रोग्राम हम सभी बताए हैं कि कंप्यूटर की पार्ट प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में लिखते हैं ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल, और वही चीज़ यहाँ बता रहा है। यह प्रोग्राम निर्देशों के रूप में कंप्यूटर की भाषा में फीड किए जाते हैं जो मशीन टूल को क्रियान्वित करते हैं। तो जो कौन से प्रोग्राम होंगे, जो पार्ट प्रोग्राम होगा वो कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या करेगा, अग्रसरित करेगा और समझेगा। तो माइक्रो कंप्यूटर में सभी प्रोग्राम फीड किए जाते हैं। यह प्रोग्राम निर्देशों के रूप में कंप्यूटर की भाषा में फीड किए जाते हैं। जो प्रोग्राम होंगे वो निर्देशों के रूप में कंप्यूटर की भाषा में प्रयोग किए जाएंगे, जो कि ऑटोमेटेड प्रोग्राम टूल के रूप में जाने जाते हैं और जो मशीन टूल को क्रियान्वित करते हैं। तो अगर हमको निर्देश प्राप्त नहीं होगा तो प्रोग्राम नहीं बनेगा, और जब हम प्रोग्राम को निर्देशों के रूप में प्राप्त करेंगे तो वो हमको मशीन टूल उसी अनुसार उसको क्रियान्वित करेगा। सीधे तौर पर जान लीजिए कि मशीन टूल को कार्य करने के लिए हमेशा मशीन कंट्रोल यूनिट की सहायता चाहिए, और मशीन कंट्रोल यूनिट में जो भी प्रोग्राम हमारे रहेंगे वो सही होने चाहिए, और उसी के अनुसार मशीन टूल उस प्रोडक्ट का निर्माण कर पाएगा और प्रोसेसिंग कर पाएगा। अब MCU जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला MCU है आपका डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल लूप यूनिट। देखिए जैसे हमने बताया भी आपको, MCU आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कंट्रोल लूप यूनिट। यह सॉफ्टवेयर का समूह होता है। कौन सा? डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। जो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो सॉफ्टवेयर का समूह होता है, और कंट्रोल लूप यूनिट ये कंट्रोलिंग से रिलेटेड यूनिट होती है आपकी। तो एक सॉफ्टवेयर का समूह होता है, इसमें पहला है कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है कैलकुलेशन एल्गोरिदम, तीसरा है इंटरपोलेशन एल्गोरिदम। तो MCU दो पार्ट में डिवाइड होता है, सबसे पहला होता है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल लूप यूनिट। तो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का एक समूह होता है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कैलकुलेशन एल्गोरिदम और इंटरपोलेशन एल्गोरिदम। ठीक, अब हम आते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग यूनिट DPU पार्ट प्रोग्राम से डाटा को प्रोसेस करके CLU को भेजता है। मतलब डाटा प्रोसेसिंग यूनिट पार्ट प्रोग्राम से डाटा को प्रोसेस करके कंट्रोल लूप यूनिट में को भेजता है, जो मशीन टूल को चलाता है। देखिए CLU यहाँ पे क्या है, कंट्रोल लूप यूनिट, और D है डाटा। तो डाटा भेजा जाएगा CLU में, और CLU चलाने का CLU डाटा को भेजेगा मशीन टूल में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको डाटा चाहिए कंट्रोल लूप, उस कंट्रोल लूप को देने के लिए। तो कंट्रोल लूप क्या है, एक तरीके से कंट्रोलर हम मान के चलते हैं। कंट्रोल लूप क्या चीज़ है बेटा, कंट्रोल लूप इज अ कंट्रोलर। तो DPU मीन्स डाटा हमको पार्ट प्रोग्राम से डाटा को प्रोसेस करके हम CLU को भेजेंगे, और CLU डाटा को मशीन टूल को भेजेगा। अब CNC के क्या सिद्धांत होते हैं ये जान लीजिए। पहला है बेसिक लेंथ यूनिट BLU, इसे बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट, यह मशीन टूल की अक्ष के सापेक्ष गति, मशीन टूल की अक्ष के सापेक्ष गति तथा मशीन टूल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब एग्जाम में आता है BLU क्या चीज़ होती है, तो आप सीधे कह सकते हैं बेसिक लेंथ यूनिट।
इसे बाइनरी डिजिट के भी नाम से जानते हैं, और मशीन टूल की अक्ष के सापेक्ष गति तथा मशीन टूल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब मशीन टूल की अक्ष के सापेक्ष गति और मशीन टूल की स्थिति को प्रदर्शित करने की जो कार्य करेगा वो हमारा कहलाएगा बेसिक लेंथ यूनिट, एक BLU। तो पल्स बराबर बेसिक लेंथ यूनिट बराबर BIT बिट। अब दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम, बिंदु से बिंदु निकाय। अभी हम पढ़ा भी चुके हैं आपको कि पॉइंट से पॉइंट, बिंदु से बिंदु निकाय में सभी बिंदु पहले से निर्धारित होते हैं और उन्हीं बिंदुओं पर क्रियान्वित किया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम में देखिए, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ दो पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये पॉइंट है और आपका नेक्स्ट पॉइंट ये पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पर यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और ये नेक्स्ट पॉइंट पे गया। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर एक दिखाया गया एक वर्क पीस है और यहाँ पे आपके चार पॉइंट्स हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू। यहाँ पे ये पॉइंट जो होंगे वो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, कंट्रोल पॉइंट वन, कंट्रोल पॉइंट टू, कंट्रोल पॉइंट थ्री और कंट्रोल पॉइंट फोर। ये चारों पॉइंट्स आपके यहाँ बने हैं और ये हमेशा पॉइंट्स के अनुसार ही सारे होल्स का निर्माण करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है एक्स एक्सिस पर आपका क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और फिर आपका यहाँ पर है आपके कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक। तो अब हम इसको और समझते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट्स को कि कैसे होंगे। तो सबसे पहले आइए ये पॉइंट टू पॉइंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये पॉइंट है और आपका जो सेकेंडरी पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पे दिखाया गया नेक्स्ट पॉइंट पे है। और यहाँ पर हम वर्क पीस में एक ड्रिल करने की प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें चार होल्स आपको दिख रहे होंगे, एक दो तीन चार। तो एक ये जो इनके बीच के पथ होता है, एक से दो के बीच का जो पथ होगा उसे हम लोग कहेंगे पाथ, पाथ वन टू टू। इनके बीच का रास्ता दो से तीन के कंट्रोल पॉइंट्स के बीच में रास्ता पार्ट टू टू थ्री, और कंट्रोल पॉइंट के थ्री तीन से चार, ठीक, तीन से चार में। तो हम कह सकते हैं एक से दो, दो से तीन और तीन से चार। ये आपका एक वर्क पीस का एक दिखाया गया है ड्रिलिंग की प्रक्रिया के अनुसार सारा विवरण। अब आते हैं इसमें, इस निकाय में मशीन टूल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कार्यखंड, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमता है। मतलब इसमें जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु और तीसरे बिंदु से चौथे बिंदु तक क्या करेगा, ये घूमेगा और आवश्यक प्रक्रम संपन्न करेगा। तो मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हमेशा बिंदुओं से बिंदुओं तक ही हमको कार्य करना है। बिंदु और ये बिंदु हमेशा क्या होते हैं, हमको प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं और इन बिंदुओं के साथ ही हमको क्या करना रहता है, कार्य करना रहेगा, तब जाके आपका प्रक्रम संपन्न होगा। फिर आते हैं आपके इस पॉइंट पे कि प्रक्रम संपन्न होते ही मशीन टूल या कार्यखंड दूसरे प्रक्रम के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब एक प्रक्रम का आपका ख़त्म हो गया तो वो दूसरे प्रक्रम के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तीसरा सतत पथ निकाय, कंटिन्यूस पथ सिस्टम। इस निकाय में, किस निकाय में, इस निकाय में जो टूल पथ होगा, इस निकाय में टूल या कार्यखंड को, इस निकाय में टूल या कार्यखंड को सतत गति एवं पथ प्राप्त होता है। मतलब जो टूल या कार्यखंड होगा उसको कंटिन्यूस, मतलब सतत पथ, मतलब कंटिन्यूस पथ एवं पथ, कंटिन्यूस वेलोसिटी और पथ रास्ता दोनों प्राप्त हो जाएगा जिससे वह कोणीय सतह दो विमा वक्र बना सके। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्क पीस दिया गया और यहाँ पे कटर रखा गया है और इस पॉइंट्स पे ये क्या कर रहे हैं, कट करते हुए चले आ रहे हैं। ये कटर का पथ है, ये पूरा क्या है, कटर का एक पथ है। तो कटर यहाँ लगा और ये कटर यहाँ से काटते 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 ये इस पॉइंट पर आ गया और ये आपकी मशीनिंग की सरफेस है। यहाँ से एक्स्ट्रा मटेरियल को यहाँ से क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो कटर की प्रक्रिया आपकी एक तरीके से यहाँ पर आप सकते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पर दिखाया गया। ये कटर का इतना रेडियस रखा गया है, ये वर्क पीस है और ये मशीन सरफेस है जिस पर कि कटर उस पथ को कर रहा है कार्य काटने का, उदाहरण के लिए मिलिंग मशीन। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिखाया गया पॉजिटिव एरर दिखाया गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। यहाँ पे एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहाँ से एक ये सीधा पथ जो इनको सीधे तौर पर जोड़ा उसे कहते हैं करेक्ट पथ, जो सीधी रेखा जा रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। और यहाँ पे एक इनकरेक्ट पथ दिखाया गया, मतलब जो सीधा पथ जाना था वो सीधा ना जाके एक दूसरे स्थान पर जा रहा है और ये जो पॉइंट है उसे कहते हैं एरर, ठीक। तो ये कंटिन्यूस पथ पे जा रहा है।
इस ये एक क्या है, सतत पथ और सतत गति पथ निकाय पर ही कार्य कर रहा है, इसी नाते से कहते हैं सतत पथ निकाय। फिर अब आइए, ये पॉइंट्स हमारे जो थे ये इम्पॉर्टेंट थे और आप इसको समझे भी होंगे और आगे के इसके चैप्टर्स में भी हम इसको पढ़ेंगे कि ये होती क्या चीज़ है और इन पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। फिर आपका है अगला पॉइंट आपका था CLU कंट्रोल लूप यूनिट। जो पॉइंट्स पर हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंट्रोल लूप यूनिट, यह MCU के सभी चर एवं अचर प्रचालकों के आंकड़ों के लिए नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कौन से इसमें डाटा होंगे, जो चर और अचर दोनों आंकड़ों के प्रयोग में इसको हम प्रयोग में लाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिखाए कंट्रोल लूप यूनिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे इस पॉइंट पर कंट्रोल लूप यूनिट के, यह MCU के सभी चर एवं अचर प्रचालकों के आंकड़ों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सामान्य विद्युत सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। मतलब क्या है, कंट्रोल लूप यूनिट जो है मशीन जो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट से डाटा गया, प्रोग्राम बन के गया, वो आपका कंट्रोल लूप यूनिट के गया और कंट्रोल लूप यूनिट से वो डाटा सीधे चला जाता है आपके मशीन टूल पर। यह MCU के सभी चर एवं अचर, मतलब कि क्या चर और अचर, वेरिएबल्स नॉन वेरिएबल्स आंकड़ों को क्या कहता है, नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये सामान्य विद्युत सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। फिर मशीन टूल, किसी कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण निकाय का वह मान होता है जो मशीनन कार्य संपन्न करता है। देखिए, हमको सॉफ्टवेयर भी मिल गया, प्रोग्राम भी मिल गया, कंप्यूटर भी मिल गया, लेकिन अब उन सारी चीज़ों का उपयोग करके हमको उसको प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन के लिए हमें एक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी और उस मशीन को हम लोग कहते हैं मशीन टूल। तो किसी कंप्यूटर संख्या नियंत्रण निकाय का वह मान होता है जो मशीनन कार्य को संपन्न करने का कार्य करता है। उदाहरण, लेथ मशीन टूल, ड्रिल मशीन टूल, मिलिंग मशीन टूल, बोरिंग मशीन टूल, शेपर मशीन टूल और स्लाटर मशीन टूल। ये सारे क्या है, मशीन टूल्स हैं जिन पर उत्पादन की क्रिया की जाती है, इन पर उत्पादन की क्रिया की जाती है। तो लेथ मशीन टूल, लेथ भी एक क्या है, मशीन टूल है। क्यों? क्योंकि उस पर कार्य किया जा रहा है दूसरे मशीन के अंगों को बनाने के लिए। मशीन टूल का मतलब यहाँ क्या होगा, मशीन टूल वो मशीन होती है जिस पर दूसरे मशीन के अंगों को बनाने का कार्य किया जाता है और जिनका उपयोग उत्पादन की क्रिया में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लेथ मशीन टूल, फिर ड्रिलिंग मशीन टूल, फिर मिलिंग मशीन टूल, फिर बोरिंग मशीन टूल, शेपर मशीन टूल और स्लाटर मशीन टूल, ये मशीन टूल्स होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं आराम से, किसी कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण निकाय का वह मान होता है जो मशीनन कार्य संपन्न कराने के लिए अग्रसरित होता है। और इसमें 6 प्रकार की मशीन टूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, लेथ मशीन टूल, ड्रिलिंग मशीन टूल, मिलिंग मशीन टूल, बोरिंग मशीन टूल, शेपर मशीन टूल और स्लाटर मशीन टूल। अब आते हैं बेटा हम अपने चालन प्रणाली पे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं CNC के अवयव पे। तो चालन प्रणाली में ड्राइविंग सिस्टम, CNC मशीन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। भाई ड्राइविंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो वो चलेगा ही नहीं, और जब चलेगा नहीं तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। तो CNC मशीन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। CNC मशीन की यथार्थता एवं पुनरावृत्ति चरण प्रणाली के लक्षण एवं निष्पादन पर निर्भर करती है। निष्पादन का मतलब होता है कार्य को करना। तो यहाँ पर लिखा है CNC मशीन की यथार्थता में सेक्यूरेसी और उसकी रिविज़न चरण प्रणाली के लाभ मतलब लक्षण पे, चरण प्रणाली के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके वर्किंग पर निर्भर करती है। प्रमुख चरण प्रणाली निम्न है, पहला है DC सर्वो मोटर, फिर है AC सर्वो मोटर, फिर आपका है स्टेपर मोटर, फिर है लीनियर मोटर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं DC सर्वो मोटर। यह सबसे सरलतम एवं समान रूप में प्रयोग की जाने वाली चरण प्रणाली है। मतलब वह चरण प्रणाली ये सबसे सरल है और सबसे सामान्य रूप में प्रयोग की जाती है। कौन सी? DC सर्वो मोटर हम लोग NC मशीन में प्रयोग करते हैं। फिर AC, यह सर्वो मोटर में रोटर स्थायी चुंबक होता है, ठीक, जबकि स्टेटर 3-phase वाइंडिंग के साथ व्यवस्थित होता है। तो ये क्या है, AC सर्वो मोटर। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो चालन प्रणाली के अंतर्गत है और हम ये जान रहे हैं कि चालन प्रणाली जो है वो CNC मशीन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। इसके बिना हमारी मशीन टूल कार्य नहीं कर पाएगी। अगली है बेटा यहाँ पे स्टेपर मोटर, हम पढ़ते हैं उसे भी कि वह युक्ति होती है जो विद्युत
जो विद्युत प्लस को शाफ्ट की आंतरिक घुमाव गति में परिवर्तित करती है। स्टेपर मोटर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो वह युक्ति जो विद्युत प्लस को शाफ्ट की आंतरिक घुमाव गति में परिवर्तित करे वो स्टेपर मोटर कहलाता है। टेक जो विद्युत शाफ्ट विद्युत की गति को शाफ्ट की यांत्रिक गति में जो क्या कर दे, घुमाऊ गति में परिवर्तित कर दे। फिर लीनियर मोटर, एक ऐसा घुमाऊ मोटर जो सीधे व्यवस्थित होता है, इसका डिजाइन एकदम सरल होता है। ये कौन सा होता है? लीनियर मोटर, ये सिंपल और सरल मोटर है और इसका डिजाइन क्या होता है, इसका डिजाइन जो होगा वो आपका क्या रहेगा, घुमावदार रहेगा। टेक तो अगले हम आते हैं अपने फीडबैक उपकरण पर। तो सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए फीडबैक इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी को हम लोग बनाए कब रखेंगे, जब हम फीडबैक इक्विपमेंट का प्रयोग करेंगे। यहाँ फीडबैक का मतलब सीधे तौर पर बेटा मतलब है आउटपुट से। तो सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी हमें तब बनेगी जब हमें फीडबैक इक्विपमेंट लगा रहेगा। तो दो प्रकार के फीडबैक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहला स्थिति फीडबैक उपकरण और दूसरा है वेग गति फीडबैक उपकरण। पहला क्या है, स्थिति फीडबैक उपकरण और दूसरा है वेग गति फीडबैक उपकरण। मतलब यहाँ पे स्थिति का फीडबैक हमको प्राप्त होगा तो उस उपकरण का नाम होगा स्थिति फीडबैक उपकरण और दूसरा होता है वेग गति फीडबैक उपकरण। तो फीडबैक उपकरण लगाने से क्या होता है कि उसकी एक्यूरेसी हमको प्राप्त होती है, एक्यूरेट कितना है वो। तो सीएनसी मशीन की एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए हम फीडबैक इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं। तो फीडबैक इक्विपमेंट का मतलब सीधे तौर पर आउटपुट से होता है, हमें क्या प्राप्त हो रहा, हम इनपुट लगाए, हम यहाँ मशीन कंट्रोल यूनिट लगाए और हमको क्या प्राप्त हो रहा, आउटपुट। तो आउटपुट का जो भी डिटेल्स रहेगा वो फीडबैक इक्विपमेंट के द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। और ये दो प्रकार के फीडबैक उपकरण होते हैं, सबसे पहला स्थिति फीडबैक मीन्स पोजीशन फीडबैक इक्विपमेंट और दूसरा है वेग आब्लिक गति, वेग मतलब वेलोसिटी और गति मतलब फीडबैक उपकरण। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्थिति फीडबैक उपकरण पे, मीन्स पोजीशन फीडबैक। यह दो प्रकार का होता है, लीनियर ट्रांसड्यूसर और रोटरी इनकोडर। फिर दूसरे पे आए वेग गति फीडबैक मीन्स वेलोसिटी मोशन फीडबैक इक्विपमेंट, इसको टैकोमीटर की सहायता से, टैकोमीटर भी एक डिवाइस एक इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से हम स्पीड को आरपीएम में मापने का कार्य करते हैं। तो इसको टैकोमीटर की सहायता से मापा जाता है। टैकोमीटर को शाफ्ट के अंत के दोनों सिरों पर व्यवस्थित किया जाता है, मतलब जो शाफ्ट होती है, शाफ्ट मतलब जो पावर को ट्रांसमिट करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके अंत सिरों पर इनको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। इसमें वेग का मापन वोल्टेज ड्रॉप के रूप में डिस्प्ले यूनिट में होता है, मतलब उसको जब हम शाफ्ट के दोनों सिरों पर हम उस टैकोमीटर को लगा देंगे उससे हमको क्या मिलेगा, वेग का मापन मिलेगा, मतलब स्पीड हमको प्राप्त होगी और वो वोल्टेज ड्रॉप के रूप में डिस्प्ले यूनिट में हमको दिखेगा। तो डिस्प्ले यूनिट में हम सब चीज़ देख सकते हैं कि उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक, और उसमें वेलोसिटी क्या आ रही है उसकी। ये सारी चीज़ें किसके आएंगी, वेग गति फीडबैक उपकरण के अंतर्गत। फिर आप आता है बेटा यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट, ये भी एक इक्विपमेंट है आपका सीएनसी का ही, ठीक। तो डिस्प्ले यूनिट के अंतर्गत यह एक इंटरैक्टिव उपकरण की तरह कार्य करता है। डिस्प्ले यूनिट के रूप में मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। डिस्प्ले का मतलब दिखना, तो अगर हम डिस्प्ले देखते हैं हम लोग कहते हैं भाई इसका डिस्प्ले बड़ा अच्छा है, बहुत क्लियरिटी है, बहुत एक्यूरेसी है। तो ये डिस्प्ले का मतलब यहाँ पे मॉनिटर से है। तो डिस्प्ले यूनिट के रूप में हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर के रूप में हम TFT, LED, LCD का प्रयोग करते हैं। तो सीधे तौर पर समझ लीजिए एक उपकरण है और ये इस पे क्या होता है, हमको ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं किस पे, मॉनिटर के ऊपर। जैसे आप टीवी है, टीवी एक जो आप देखते हैं, टेलीविज़न, वो भी एक मॉनिटर पर है। कंप्यूटर पे सारा डाटा हम जो पढ़ते हैं वो भी एक मॉनिटर पर है। तो डिस्प्ले जो होगा वो हमारा किस पे होगा, मॉनिटर पर सारा डाटा हमको मिलेगा। और मॉनिटर के रूप में हम TFT, LCD, LED का प्रयोग करते हैं देखने के लिए उन चीज़ों को, ठीक। अब हम आते हैं इंटरपोलेटर, ये भी एक पार्ट है बेटा, इसको भी देखें। इंटरपोलेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है। यहाँ पर दो हमारे कंट्रोल, इन बिंदुओं को हम लोग बेटा कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं। इन बिंदुओं को क्या हम कहेंगे, कंट्रोल पॉइंट। तो एक आपका एक्स एक्सिस पर है और एक आपका वाई एक्सिस पर है, ठीक। तो एक्स एक्सिस पर आप देखेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे हम इसको मिला है। तो जो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा पहले से प्री डिफाइंड होते हैं कि इन्हीं बिंदुओं पर उनको फ्लो करना है। अगर वो उस बिंदु पर फ्लो नहीं करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रापोलेटर। तो ये पहला क्या है, रेखीय इंटरपोलेशन, क्योंकि ये रेखा के रूप में ही संचरित हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, इसे कहते हैं रेखीय इंटरपोलेशन। दूसरा है, देखिए दूसरा है आपका सतत।
तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये मूल बिंदु से शुरू हुआ और ये जितने भी ये एक वक्र जो बन रहा है वो हमेशा मूल बिंदुओं के अनुसार ही बन रहा है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पाँच, तो यह इन बिंदुओं को टच करते हुए ही जा रहा है और टच करने के बाद यह एक वक्र का निर्माण कर रहा है। अगर कंट्रोल बिंदु यहाँ नहीं बने रहते तो ये वक्र का भी निर्माण नहीं होता। तो जो कंट्रोल बिंदु होते हैं उन्हीं को टच करते हुए जो ग्राफ फिगर बनता है वही हमारा इंटरपोलेशन होता है। अगर वो उन बिंदुओं को टच करके आगे नहीं बढ़ता है तो वो एक्स्ट्रापोलेशन की श्रेणी में मान लिया जाता है। फिर आपका आता है बेटा, ये है आपका, ये आपका गोली इंटरपोलेटर। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये पूरे वृत्त का निर्माण कर रहा है, देख सकते हैं। ये भी और ये भी एक कंट्रोल पॉइंट्स के तहत ही क्रिया कर रहा है। तो एक वृत्त इधर, एक इधर, तो ये पूरा फुल सर्किल का निर्माण कर दिया। फिर अब आइए सीएनसी मशीन के अनुप्रयोग पर पढ़ते हैं। सबसे पहला है हवाई जहाज़ तथा उसके उपकरण के उत्पादन में। तो हवाई जहाज़ मतलब एरोप्लेन, और एरोप्लेन्स के क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऑटोमोबाइल तथा उसके इंजन एवं पुर्जों के निर्माण में। ऑटोमोबाइल और उसके इंजन और उसके पुर्जे, तो मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट और उसके उपकरण के निर्माण में, ऑटोमोबाइल एवं उसके उपकरण के निर्माण में। जटिल संरचना के लिए भी सीएनसी मशीन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जटिल संरचना है जिसको हम मानवीय मानवीय द्वारा नहीं हैंडल कर सकते, उसको सीएनसी के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। फिर है बैच उत्पादन के लिए। बैच का मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बैच वाइज बांट देते हैं कि आधा पार्ट, आधा पार्ट, आधा पार्ट, इस तरह करके हम पूरा एक उत्पादन की प्रक्रिया कर लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बैच उत्पादन। ठीक, तो हवाई जहाज़ तथा उसके उपकरण के निर्माण में, ऑटोमोबाइल तथा उसके पार्ट्स के निर्माण में, जटिल संरचना के निर्माण में, और फिर बैच उत्पादन के निर्माण में। तो इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, ये सब सीएनसी के क्या हैं, अनुप्रयोग हैं। फिर आपका आता है बेटा टूल भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट पढ़िए कि टूल भंडारण मतलब कि टूल स्टोरेज, टूल स्टोर मतलब कि टूल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक जगह पर, उसकी समस्या को दूर करने के लिए भी हम सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। फिर पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी प्रयोग लाया जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वह बोर्ड होता है जिस पर सारे आपके पैनल बने होते हैं और उन पे सारे वायरिंग होती है, जैसे आप देखेंगे सर्किट्स की मोबाइल फ़ोन में आप जब भी ओपन करेंगे तो एक पैनल बना होता है और उस पर विभिन्न प्रकार के आपके वायर जुड़े होते हैं, उस पे सोल्डरिंग की हुई होती है, तो उसी पैनल को हम लोग कहते हैं पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ पर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग लाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी इसका प्रयोग अत्यंत आवश्यक है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी ये प्रयोग में लाया जाता है। तो टूल भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब सीएनसी मशीन के लाभ, ये अत्यंत आवश्यक है, टिक कर लीजिए इसको। फिर है मानवीय त्रुटि में कमी, मतलब कि इसमें मानव का प्रयोग हम बहुत कम कर रहे हैं। अगर हम मानव का प्रयोग करते तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक मशीन कंट्रोल का प्रयोग नहीं करते। तो मानव त्रुटि में कमी, मानव है ही नहीं तो उसमें त्रुटि की संभावना भी नहीं है। तो मानव बस उसको क्या ऑन या ऑफ करता है, लेकिन सारी प्रक्रिया प्रोग्राम के द्वारा, कंट्रोल सिस्टम के द्वारा और मशीन टूल के द्वारा की जाती है, इसी नाते उसकी त्रुटि में कमी आ जाती है। गुणवत्ता उच्च हो जाती है, हाई क्वालिटी, भाई क्वालिटी उच्च इसलिए आती है क्योंकि सारा चीज़ क्या है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके फीडबैक पर। भाई उसके लिए हम एक फीडबैक उपकरण भी लगाए हैं जो हमारे सारे डाटा को बताता रहेगा और जो भी डाटा हमको प्राप्त हो रहा है वो उच्च क्वालिटी का ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की सारी चीज़ें एक्यूरेसी के साथ मापी गई हैं और चेक की गई हैं। स्क्रैप उत्पादन में कमी, यहाँ स्क्रैप का मतलब वेस्टेज मटेरियल से है, तो स्क्रैप उत्पादन में कमी, स्क्रैप में कमी तब होगी जब हमारा वेस्टेज कम होगा। और जब वेस्टेज कम क्यों होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक तरीके से कार्य कर रही हैं। उत्पादन दर उच्च मतलब हाई प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन का रेट हाई होगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक, और उत्पादन हाई हो रहा है और एक्यूरेसी के साथ हो रहा है और इसी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी हमारी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। फिर है प्रोग्रामिंग में आसान, देखिए प्रोग्रामिंग करना भी बहुत आसान है, अगर प्रोग्रामिंग हम इसमें करेंगे तो वो आसान पूर्वक उसको हम कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एक ही पॉइंट पे की जाती है और उसके लिए प्रोग्राम पूरा तैयार किया जाएगा,
और प्रोग्राम हमको तब मिलेंगे जब हमको निर्देश प्राप्त होगा। जब तक निर्देश हमको प्राप्त नहीं होंगे किसी कार्य को कैसे करना है, तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। प्रोग्रामिंग का स्टोरेज आसान, जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसका स्टोरेज भी आसान होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में, क्योंकि कंप्यूटर में एक हम मेमोरी डिवाइस, एक कहते हैं डाटा बफर रखते हैं और उसमें सारा डाटा स्टोर करके ही रखते हैं। उच्च यथार्थता, हाई एक्यूरेसी, डाटा हमारा एक्यूरेसी के साथ कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें निर्देशों का सेट एक पॉइंट पर होगा और सारे डाटा का पहले से ही प्री प्लान्ड प्रोसेसिंग होगी। नम्यता मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का सीधे तौर पर तात्पर्य है कि प्रोग्राम निर्देशों के सेट में अगर हमको कोई भी निर्देश परिवर्तित करना है तो हमको पूरे निर्देशों का सेट नहीं बदलना पड़ेगा, उस निर्देश के सेट को बदल के हम पूरे प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं करेंगे और एक प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्रोग्राम हम पूरे प्रोसेस को नहीं चेंज करेंगे, उस प्रोग्राम के एक निर्देश के सेट को चेंज करके हम सारा प्रोसेस उसी तरह कंप्लीट करवा लेंगे। अब है सीएनसी मशीन की हानियां, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सीएनसी। पहला है प्रारंभिक लागत उच्च, मीन्स इस पे जो पैसा लागत लगेगी बहुत उच्च लगेगी। इसको इंस्टॉलेशन का जो चार्ज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। अब इंस्टॉलेशन के चार्ज में भाई बहुत मशीन महंगी है तो उसके इंस्टॉलेशन के उसके जो पार्ट्स होंगे, उसके जो इंस्टॉलेशन के वर्क मतलब जो उसके कारीगर होंगे उसको सेटअप करेंगे, उनको भी हमको लागत देनी पड़ेगी। तो इसकी प्रारंभिक लागत उच्च आएगी, सबसे महंगी। कुशल कारीगर की आवश्यकता, इसको हैंडल करने के लिए हमें कुशल कारीगर लगाना ही पड़ेगा जो कि उस प्रोग्राम को सही ढंग से चला पाए, समझ पाए और संचालित कर पाए। तो कुशल कारीगर की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। फिर अनुरक्षण महंगा एवं कठिन, इसका मेंटेनेंस भी महंगा होगा और डिफ़िकल्ट होगा। अनुरक्षण का सीधे तौर पर तात्पर्य यह है कि मेंटेनेंस आपका महंगा इस नाते होगा क्योंकि ये मशीन महंगी है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग महंगी है और इसकी लागत भी महंगी है, और इसको कार्य करना एक सिंगल आदमी के लिए नहीं, इस पर हमेशा कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी और उसके लिए हमको उसको पढ़ा लिखा आदमी हो और हर चीज़ को वो जानता हो तभी वो उसको हैंडल कर पाएगा। और इसका मेंटेनेंस भी उसी अनुसार कठिन होता है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर लुब्रिकेशन, प्रॉपर इंस्पेक्शन, उसकी चेकिंग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ लिखा है सीएनसी की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर ही होती है जो महंगी। सीएनसी जब भी हम सेटअप करेंगे वो एक एयर कंडीशन रूम में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी वर्किंग, उसके मेंटेनेंस को देखते हुए हमको एसी कमरे की आवश्यकता पड़ती है और उस एसी कमरे में लगाने पर हमको उसका वहन भी करना पड़ेगा जो कि महंगा होता है। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं ये सीएनसी मशीन को इंस्टॉलेशन में, ठीक। तो ये इन डीमेरिट्स को हम दूर भी करेंगे और आगे की प्रक्रिया को भी पढ़ेंगे। तो ये सारे चीज़ें हमने जो पढ़ाई है आपको वो सब सीएनसी के मेरिट्स, डीमेरिट्स, एप्लीकेशंस और उनके कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें थी। अब हम आते हैं आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम पढ़ चुके न्यूमेरिकल कंट्रोल, हम पढ़ चुके कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, अब हम आते हैं अगले डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो कंट्रोल होता है वो आपका, उसमें एक सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होता है, जबकि हमें जान रहे हैं कि एनसी में कंप्यूटर न लग के एक टेप रीडर लगा होता है और टेप रीडर से ही सारा डाटा एमसीयू पे जाता है और एमसीयू मशीन टूल पे लगाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा और उससे अग्रसरित है पार्ट प्रोग्राम, मतलब निर्देशों का सेट कंट्रोलर के द्वारा जो प्राप्त होगा पार्ट प्रोग्राम, और वो क्या संचरण होगा सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर से। तो सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो संचरण होगा, इसमें हम लगते यहाँ पे कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन लाइन रखे हैं जो डाटा हमारा भेजेगा मशीन कंट्रोल यूनिट पे और मशीन कंट्रोल यूनिट से वो डाटा जाएगा मशीन टूल पे। तो यहाँ पर तीन प्रकार के आपके मशीन कंट्रोल यूनिट लगाए गए हैं और तीन प्रकार से आपके मशीन टूल भी यहाँ पर सेटअप किए गए हैं इन्हीं के अनुसार। एक आप ऊपर पढ़ सकते हैं BTR है, इस BTR का फुल फॉर्म होता है बिहाइंड द टेप रीडर, बिहाइंड द टेप रीडर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक सेंट्रल और मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होता है और वो उससे साथ एक कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन लाइन होती है और वही ट्रांसमिशन लाइन इन सारे डाटा को, सारी इन्फॉर्मेशन को मशीन कंट्रोल यूनिट तक पहुंचाती है और मशीन कंट्रोल यूनिट इसमें एक कंप्यूटर मशीन टूल तक सारे चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें बहुत सी एनसी मशीन एक कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल की जाती हैं,
जिसे हम सेंट्रल कंप्यूटर कहते हैं, जिससे सीधे जुड़कर उत्पादन प्रक्रम क्रियान्वित करता है और इसी को कहते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। देखिए यहाँ पे 3 MCU लगे हैं, 3 मशीन टूल लगे हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम बस एक है और एक ही कंप्यूटर सिस्टम से सारा डाटा आपको ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए मशीन कंट्रोल यूनिट पे ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर इन सारे मशीन कंट्रोल यूनिट को हैंडल करेगा और ये मशीन कंट्रोल यूनिट के साथ साथ इन मशीन टूल को भी हैंडल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में करते हैं और वही कंप्यूटर से सारे मशीन कंट्रोल यूनिट जुड़े होंगे और मशीन कंट्रोल यूनिट से उनके मशीन टूल जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर 3 सिस्टम बना है, लेकिन अगर हम 10 सिस्टम भी कर देंगे तो वो सारे 10 मशीन कंट्रोल यूनिट एक सिंगल कंप्यूटर से ही अटैच होंगे और वो सारी प्रक्रियाओं को करते रहेंगे। तो मशीन टूल से जो निर्देश प्राप्त करना है वो इसी के द्वारा हमको प्राप्त होता है, इसके द्वारा DMC के द्वारा ही होता है। अब हम आते हैं आपके कि DMC के अवयव क्या क्या होते हैं, तो इसमें भी हम पढ़ते हैं DMC के अवयव। DMC के बेटा 3 अवयव होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेमोरी और कम्युनिकेशन नेटवर्क और NCCNC मशीन टूल। ठीक, तो सबसे पहला है विभिन्न प्रकार के DMC मशीन, टाइप्स ऑफ DMC मशीन। तो सबसे पहला है BTR सिस्टम, बिहाइंड द टेप रीडर। इसमें उसके बाद स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट SMCU, BTR। इस निकाय में सेंट्रल कंप्यूटर को सीधे NC मशीन के साथ मशीन कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतलब इस निकाय में बिहाइंड द टेप रीडर में जो सेंट्रल कंप्यूटर को सीधे न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन के साथ कंट्रोल यूनिट से जोड़ दिया जाता है। जो NC मशीन लगी होती है उसे मशीन कंट्रोल यूनिट से उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे किसको, सेंट्रल कंप्यूटर को। तो जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा वो NC मशीन के MCU से सीधे उसको जोड़ दिया जाता है। इस निकाय में कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे होता है, इसी नाते इसको हम लोग कहते हैं बिहाइंड द टेप रीडर, इसीलिए इसे हम BTR सिस्टम कहते हैं, बिहाइंड द टेप रीडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं DMC कंप्यूटर एक लगा, यहाँ पे बल्क मेमोरी NC प्रोग्राम एक, यहाँ पर स्टोरेज भी लगा है और इसी स्टोरेज के द्वारा सारा डाटा क्या हो रहा है, यहाँ पे फीड किया जा रहा है। तो DMC कंप्यूटर से डाटा हमें बल्क मेमोरी स्टोरेज से प्राप्त हुआ और ये डाटा फिर इसको भेजा गया NC कंट्रोलर में, और NC कंट्रोलर अब क्या है, NC कंट्रोलर इन चीज़ों को पढ़ेगा और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगर सही करेगा मशीन टूल पे। तो आप देख सकते हैं टेप रीडर रिप्लेस्ड बाय टेली कम्युनिकेशन लाइन्स। तो टेप रीडर के यहाँ से रिप्लेस किया गया है, उनके जगह पर टेली कम्युनिकेशन लाइन ला गई हैं और टेली कम्युनिकेशन लाइन उन सारे आंकड़ों को पढ़ के मशीन कंट्रोल यूनिट को देंगे और मशीन कंट्रोल यूनिट को मशीन टूल को देंगे। तो यहाँ पर 2 स्टोरेज बफर है, मतलब कि 2 साइड स्टोरेज का एक बफर रखा गया है। बफर का मतलब ये सारे डाटा को सिग्नल्स को स्टोर करने वाला, तो इसे कहते हैं DMC विद बिहाइंड द टेप रीडर। फिर स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, इस निकाय में NC कंट्रोलर की जगह विशेष मशीन कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे NC कंट्रोलर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं BTR में और यहाँ पर हम स्पेशल MCU का प्रयोग कर रहे हैं, सेम उसमें फिगर है उसका। तो यहाँ DMC कंप्यूटर आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक स्पेशल MCU रखा गया है। इस स्पेशल MCU से फिर उसको डाटा कहाँ दिया, मशीन टूल पे दिया गया। अंतर बस दोनों में यह है कि इसमें BTR सिस्टम में कंप्यूटर का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा टेप रीडर के पीछे लगाया जाता है, मतलब टेप रीडर के पीछे लगाया जाएगा किसमें, BTR सिस्टम में कंप्यूटर को। और यहाँ पर NC कंट्रोलर की जगह पर स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट लगा देंगे और वो मशीन कंट्रोल यूनिट उसको मशीन टूल को अगर डाटा भेजेगा और मशीन टूल उसी डाटा को पढ़ते हुए प्रोडक्शन की क्रिया को संचालित करेगा। अब आते हैं CNC और DMC में क्या अंतर होता है वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो जो CNC जो मशीन होती है वो कंप्यूटर जो होगा मशीन से सीधे जुड़ा होता है, किसमें, CNC में। और फिर आते हैं DMC, कंप्यूटर मशीन से दूर होता है तथा टेली कम्युनिकेशन लाइन द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर जो होगा मशीन से दूर होता है और टेली कम्युनिकेशन लाइन द्वारा जुड़ा होता है। तो कंप्यूटर का जो भी डाटा निर्देश होगा वो टेली कम्युनिकेशन लाइन पे जाएगा और टेली कम्युनिकेशन लाइन आपकी किसको देगी, मशीन कंट्रोल यूनिट को डाटा को देगी। तो कंप्यूटर CNC में मशीन से सीधे जुड़ा होता है, इसमें कंप्यूटर मशीन से दूर होता है और टेली कम्युनिकेशन लाइन द्वारा जुड़ा होता है। इसमें मशीनें नम्य होती हैं, DMC में मशीनें कम नम्य होती हैं। फिर CNC मशीन में एक समय में एक मशीन को ही कंट्रोल करता है, इसमें एक समय में कई मशीनों को कंट्रोल करता है, इसी नाते आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग हम कर रहे हैं।
यहाँ पे हम किसका नाम लिए हैं, सेंट्रल कंप्यूटर का नाम लिए हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल कंप्यूटर ही सारी मशीनों को हैंडल करने का कार्य कर रहा है। तो एक समय में एक मशीन को कंट्रोल करता है और एक समय में कई मशीनों को नियंत्रित करता है। CNC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, DNC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। एक बार और जान लीजिए अंतर दोनों में। कंप्यूटर मशीन से सीधे जुड़ा होता है, इसमें कंप्यूटर मशीन सीधे नहीं जुड़ा होता, दूर होता है, और इसमें टेली कम्युनिकेशन लाइन्स के द्वारा सारा वर्किंग होता है कंप्यूटर का मशीनों से। इसमें मशीनें नम्य होती हैं, इसमें मशीनें कम नम्य होती हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेस और इसकी जो ट्रांसमिशन होगा वो थोड़ा सा क्या रहता है, कॉम्प्लिकेटेड है। एक समय में एक मशीन के ही कंट्रोल करता है, एक समय में कई मशीनों को यह नियंत्रित कर सकता है। CNC कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल कहलाती है और DNC डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। एग्जाम में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि CNC और DNC में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, अब आते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण के प्रमुख अवयव। CNC के मुख्य अवयव दोबारा भी एक चीज़ और पॉइंट, इसको भी पढ़ लेते हैं। इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइसेस, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन टूल, चालन प्रणाली, ड्राइविंग सिस्टम, फीडबैक उपकरण और डिस्प्ले यूनिट। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इनपुट उपकरण पे। तो इनपुट उपकरण हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया भी हूँ आपको यहाँ पे, कि जो इनपुट उपकरण होंगे इनका प्रयोग जो होगा वो पार्ट प्रोग्राम को संचालित करने के लिए ही किया जाता है। और प्रमुख इनपुट उपकरण जो हैं फ्लॉपी डिस्क, USB और फिर आपका सीरीज कम्युनिकेशन और CD/DVD। सीरीज कम्युनिकेशन अभी हमने बताया आपको ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा, ये सेंट्रल कंप्यूटर से ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा डाटा जाता है मशीन कंट्रोल यूनिट में और मशीन कंट्रोल यूनिट उन डाटा को मशीन टूल पर भेजने का कार्य करते हैं। तो जो इनपुट उपकरण जो होती है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम जो होते हैं जिससे कि निर्देशों को पढ़ने का कार्य किया जाएगा, वो इनपुट उपकरण द्वारा ही किया जाएगा। और यहाँ पर इनपुट उपकरण के रूप में हम फ्लॉपी डिस्क, USB, सीरीज कम्युनिकेशन, CD और DVD का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं फ्लॉपी डिस्क किसे कहते हैं वो भी जानते हैं। यह एक छोटी चुंबकीय भंडारण उपकरण है। ये क्या है? छोटी चुंबकीय भंडारण उपकरण है। इसे CNC इनपुट उपकरण भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका एक फिगर भी बनाया गया है। इसमें क्या है, एक पॉइंट पे आप देख सकते हैं यह स्पिंडल है और इसी के अनुसार ये रोटेट करती थी। ठीक, और ये क्या है, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो भी ड्राइवर रहता था, CD ड्राइवर, उसमें क्या है, इसको लगाते थे और ये इसमें रोटेट करके सारे डाटा को अग्रसरित करती थी। तो इसे कहते हैं, ये एक छोटी चुंबकीय भंडारण उपकरण है। इसे CNC इनपुट उपकरण भी कहते हैं। इसका उपयोग 1970 के दशक में अधिक होता था। पहला पॉइंट, ये उच्च डाटा स्थानांतरण गति होती है। विश्व उच्च डाटा स्थानांतरण गति मीन्स हाई डाटा ट्रांसफ़र स्पीड। हम कहते हैं ना कि हमारे पेनड्राइव का डाटा ट्रांसफ़र इतना MBPS का है, 4 MBPS का है, 10 MBPS, उसी प्रकार से यहाँ पर भी डाटा का जो ट्रांसफ़र होगा उच्च डाटा स्थानांतरण गति होगी। विश्वसनीयता मीन्स इसे कहते हैं, ये इसकी भी एक स्टेटस है और ये विश्वसनीयता भी इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर भंडारण साइज में, तो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, डाटा हैंडलिंग मतलब डाटा हैंडल इस पर कैसे किया जा सकता है, और फिर रीडर एवं राइट क्षमता इसकी कितनी है, मतलब ये रीड कितना कर सकता है और इस पर राइट भी किया सकता है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, ये एक छोटी चुंबकीय भंडारण उपकरण है। इसे CNC इनपुट उपकरण भी हम लोग कहते हैं। इसका उपयोग 1970 के दशक में किया जाता था, अब यह बंद हो चुकी है और इसके स्थान पर आपकी पेन ड्राइव आ चुकी है और USB आ चुकी है। और इसके उच्च डाटा स्थानांतरण गति, विश्वसनीयता, भंडारण साइज, डाटा हैंडलिंग, रीडर और राइट क्षमता। अब हम आते हैं आपके दूसरे पे, USB यूनिवर्सल सीरीज बस। जैसे हम देख सकते हैं फिगर बना है यहाँ पे, एक पेन ड्राइव का है ये। यह एक हटाए जाने योग्य, रिमूवेबल, पुनः लिखने रीराइटेबल योग्य सुमक हार्ड ड्राइव होता है। ठीक, आप देखते होंगे कभी तो एक होता है रिमूवेबल डिस्क, तो यहाँ पे हटाए जाने योग्य, रिमूवेबल, पुनः लिखने मतलब रीराइटेबल योग्य सुगम एक हार्ड ड्राइव होती है। ठीक, यह साइज में छोटा होता है। देखिए साइज में छोटा होता है लेकिन इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, भंडारण क्षमता अधिक होती है। ये पेन ड्राइव सीधे तौर पर ये पेन ड्राइव है, इसका मतलब ये है कि हटाए जाने योग्य मतलब रिमूवेबल, पुनः लिखने रीराइटेबल योग्य सुगम हार्ड ड्राइव होता है। यह साइज में छोटा होता है और भंडारण क्षमता अधिक होती है। यह सभी प्रकार के कंप्यूटर में सपोर्ट करता है। तो ये क्या है, ये पेन ड्राइव है। और इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यह इसमें लिखा भी है जैसे कि यह एक हटाए जाने योग्य इनपुट उपकरण है, रिमूवेबल, और यह पुनः लिखने योग्य मतलब रीराइटेबल सुगम हार्ड ड्राइव होता है। यह साइज में छोटा होता है और इसकी भंडारण क्षमता क्या होती, अधिक होती है। सभी प्रकार के कंप्यूटर में सपोर्ट करने के लिए सक्षम भी होता है।
अब है श्रृंखला संप्रेषण, इसका फिगर भी दिखाया गया है HP की 1.5 GB की, यहाँ पे सेम चीज़ वही है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। श्रृंखला संप्रेषण सीरियल कम्युनिकेशन कंप्यूटर तथा CNC में डाटा ट्रांसफर के लिए श्रृंखला संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। देखिए कंप्यूटर और CNC में डाटा के ट्रांसफर करने के लिए हम सीरियल बस का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक प्रयोग होने वाली ड्राइव EIA स्टैंड RS-232, यह एक ड्राइव है जिसका प्रयोग हम CNC और कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, इसे कहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन श्रृंखला संप्रेषण। फिर है CD और DVD। CD को हम लोग जानते हैं पुराने समय में यूज़ की जाती थी, अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई, उसकी जगह पेन ड्राइव का और USB का प्रयोग किया जा रहा है। तो CD फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, यह एक डिजिटल ऑप्टिकल ड्राइव डिस्क होती है, इसे फिलिप्स एवं सोनी द्वारा विकसित किया गया, फिलिप्स जो कंपनी हम देखे भी हैं, फिलिप्स और सोनी कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया, इसका भी प्रयोग डाटा भंडारण में किया जाता है। ठीक, तो CD मतलब इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यह भी एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसे फिलिप्स और सोनी के द्वारा ही विकसित किया गया है, डाटा भंडारण में इसका प्रयोग लाया जाता है। फिर है DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यह भी एक भंडारण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उपकरण है, इसकी न्यूनतम भंडारण क्षमता 4.7 GB सिंगल साइड में होती है। अब देखिए DVD इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यह भी एक भंडारण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली क्या है उपकरण है, इसकी न्यूनतम भंडारण क्षमता 4.7 GB सिंगल साइड में होती है। तो CD मीन्स CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, यह एक डिजिटल ऑप्टिकल ड्राइव होती है, यह फिलिप्स एंड सोनी द्वारा विकसित की गई है और यह डाटा भंडारण उपयोग में लाई जाती है। और फिर DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यह भी एक भंडारण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसकी भी न्यूनतम भंडारण क्षमता 4.7 GB होती है और यह सिंगल साइड में ही उपयोग में लाई जाती है। धन्यवाद।